निफ्टी और बैंक निफ्टी में आया है दैट केम फ्रॉम 20 डेज मूविंग एवरेज एज सिंपल एज दैट. हमने लेवल कल भी मेंशन किए थे कि प्रॉब्ली 50 950 अप्रोक्सीमेटली नॉट द एग्जैक्ट लेवल्स आई एम टॉकिंग फ्रॉम एट सेम टाइम 34 150. आज वहीं से रिजेक्शन लेवल आया है. तो दिस माइट बी फर्स्ट स्मॉल साइन. आई डोंट नो वेदर कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा. सो लेट्स वी हैव एटलीस्ट द डे इज क्लोजिंग अबाउट 50. Amit bhai, your voice went away. Yeah, yeah. Unless we have a closing of 34,200 approximate levels, till then probably no fresh longs. If 33,700 gets broken on the downside, probably we might head back towards 33,400, 33,000 levels on the downside. That's for tomorrow itself. On Nifty itself, 50,950 should be broken on the upside for more upside towards 16,200 levels. On the downside, again, 15,800 gets broken. Probably we might go to 15,700 to 15,650. मतलब range bound market रह सकता है कल. Unless ये बड़ी बड़ी ranges नहीं break होगी वापस, क्योंकि वो एक दिन range break कर रहा है वापस नीचे आ रहा है, मतलब थोड़ा consolidation phase में जा रहा है. Indecisive market है, क्योंकि जो आप simple समझोगे ना कि जो नीचे से जो call writer थे ना वो अभी भी अपनी position बना के खड़ा है. आज भी approximately 87-88 lakhs का open interest खड़ा है आपका इसमें 16,000 के कॉल में. तो इतनी आसानी से उसको तोड़ना मुझे नहीं दिखता कि कल कल में तोड़ देगा. टफ लगता है थोड़ा सा. सेम टाइम बैंक निफ्टी 34,000 का जो कॉल होता है इतनी आसानी से अपनी पोजीशन देती नहीं. वो नीचे से फंसे हुए आए ना तो कुछ ना कुछ डिफेंड करने आएंगे. टॉकिंग अबाउट द ओनली फ्यू सेक्टर्स दैट आई स्टिल फील आर वेरी बुलिश आर ऑटो सेक्टर्स इज वन ऑफ देम. आईटी कल भी हमने बात करी थी कि इतने रनअप के बाद छोटा सा उसमें डिप आया है. करेक्शन नहीं है, डिप आया है. आईटी ने आज वापस अपना मुंह देना शुरू कर दिया. बट आईटी भी सेक्टर है ना, निफ्टी आईटी जो सेक्टर है वो भी आज भी 20 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होकर आया. मतलब आज बहुत सारे इंडेक्सेस मैंने देखे ना तो वो सब जगह से रिजेक्ट होकर आ रहा है. ओवरऑल अगर मैं इंडेक्स पकड़ूंगा कौन से इंडेक्स बुलिश दिख रहे, निफ्टी आईटी आपका बुलिश है, निफ्टी एफएमसीजी बुलिश है, निफ्टी ऑटो बुलिश है, निफ्टी बैंक उतना बुलिश नहीं दिख रहा है ना, निफ्टी इटसेल्फ खुद बुलिश दिख रहा है. बट पार्शियल सेक्टर्स में जाएंगे ना वहां पर कहीं ना कहीं बुलिश है. लास्ट में वापस वही स्टॉक कौन से स्टॉक अपना M&M द वन थिंग देन ITC द अदर थिंग. आज एक नया स्टॉक मेरे रेडर में है एशियन पेंट इज लुकिंग गुड ऑन द अपसाइड. एंड एक और था अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी अपसाइड लग रहा है. इन तीन स्टॉक के अलावा मेरे पास कोई कैंडल फॉर्मेशन ऐसा नहीं था जहां मैं बोल सकूं आज कोई बुलिश प्राइस एक्शन हुआ है. सबका आप एक सिंपल कैंडल खोल के देखोगे ना, जो हाई बनाया वहीं पे अप्रोक्सीमेटली ओपन लेवल था और वहीं से सेलिंग आया उसमें. अब कल क्या प्राइस कंफर्मेशन करता है सिंपल, अगर आज का लो कल तोड़ता है फिर हमें देखना है नया प्राइस एक्शन क्या बन रहा है. उसके पहले मेरे पास उसके लिए कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है. कल हो सकता है साइडवेज डे होके कंसोलिडेट हो जाए, थोड़ा बहुत नीचे गिर जाए. तो कल मतलब मैं एग्जैक्टली बुलिश व्यू लेके नहीं जा रहा ना बियरिश व्यू लेके जा रहा. कल के लिए मेरा शायद न्यूट्रल व्यू रहेगा प्योरली फॉर इंटरडे पर्पस. देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट. That's it from my side. From as of now, carry on. जैसे जैसे बात निकलेगी अपन स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे और भी बहुत बात करेंगे. So, Favilo, continue with your viewpoint, then I'll share my view and then we move ahead. My views haven't changed much. I still remain. I would see this as a momentary relief in a bear or a consolidated market. I don't think the pain is over. Or we can say the pain would stabilize at this point of time. ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, आपका pain भी कम नहीं, मतलब ऐसे ज़्यादा भी ऊपर नहीं जाएगा. We could enter the consolidation phase. We will have to see the new data that is going to come once June end. So, जैसे ही June end होएगा, July में US का June का data आना चालू होगा week by week. So, all eyes would be on that. So, until then, we would be in a very consolidated phase. We will also have to see what the Fed sees, how much rate hikes they are perceiving. तो ये momentarily जा सकता है. मतलब मोमेंटली कंसोलिडेट हो सकता है, पर अगेन एक थोड़ा लास्ट का एक बॉटम आउट. अगर इन्फ्लेशन, सो एज आई हैव सेड कि इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा कितना है. इफ इन्फ्लेशन
comes below what it was in May, अगर जून का इन्फ्लेशन मई से कम आता है, which means the मई का इन्फ्लेशन मई में इन्फ्लेशन टॉप आउट हो गया है. And I have said like ample of times, whenever inflation has stopped, after that Dow has given a return of on an average of 12-13%, with the minimum being 9%. So agar inflation top hua hai, then we might see a rally in Dow, but again we will have to see how India is playing. Dow mein relief, wo shayad se usko hum log relief rally bhi bol denge ek baar ke liye. कंसोलिडेशन फेज में जो वो धीरे धीरे चलता है, क्योंकि टाइम वो ज्यादा ले सकता है वो 9-10% देने के लिए. सो ऑन दैट बेसिस आई डोंट नो हाउ द इंडियन मार्केट्स वुड रिएक्ट, बट आई विल टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, एफआईआईज विल हैव टू कम बैक. दे वोंट ओनली स्टॉप बाइंग बट दे विल स्टार्ट बाइंग टू. यू गॉट टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस. वॉट आर द ऑप्शंस एफआईआईज हैव व्हेन दे वांट टू इन्वेस्ट? फर्स्ट let's take the biggest competitor of India, that is China. China, you cannot make it big. Aap jaise hi business bada banne jata hai, government aake usko crack kar, government comes and cracks it down. So there are a lot of restrictions. Wahan pe scene aisa hai ki the business cannot be bigger than the government. So theek hai, China is out of question and they have faced. China mein wo log ne dekh liya hai how the government works. So they are skeptical. Aisa nahi hai ki emerging market ka a good amount of portion will be allocated to China, but they won't go all guns blazing ya total uske upar bet nahi karenge. So that allocation will come down. So Russia, totally out of question. Theek hai, Europe, the GDP in last decade has been negative if you compare the inflation. US khali aap tech mein invest kar sakte ho, US mein aur koi sector nahi hai invest karne ke liye, baki aap kahan pe karoge? Japan totally screwed up, there are no returns. Last 10 to 20 years mein Japan ne koi return nahi diya hai. Baki kaun si countries bachi? Indonesia, Vietnam, ye sab countries. So India is there. FIIs will come, FIIs will start buying in next 3 to 6 months. One more data point that I wanted to give is, aap last time ke jo bhi bear phase ya correction phase nikal ke dekhoge na, let's not call it a bear phase because it's I feel a little uncomfortable using that phrase. So जो भी correction phase आप last time का निकाल के देखोगे, so the bottom has always formed within 9 to 15 months of making a top, right? So we made a top in October to between September and October. Let's say September में हो गया था top, whatever the date was, I can't remember, 18,600 जब भी देख लेना आ जाएगा. So we have already completed 9 to 10 months, right? So the bottom will have to be formed. If the past data, if we say that the empirical evidence, if we stick to the empirical evidence, the bottom has to be formed within next 6 months. मतलब आज से लेके next December के बीच में bottom form हो जाना चाहिए. So all the, you know, if you go to see all what we have spoken on spaces, it comes to the time of October. कि जैसे हम लोग ने वो भी बोला था कि वॉल तो एंड करना ही पड़ेगा, गैस आएगा नहीं रशिया से, अगर आप लोग गैस लेने नहीं वाले हो तो तभी कुछ ना कुछ तो ट्रूस करना ही पड़ेगा. ठीक है, एक अगर यूएस थोड़ा भी और नीचे जाता है, सो इट विल अगेन, फेड विल अगेन स्टार्ट गिविंग डोविश पॉलिसी आउटलुक्स, तो वो एक हो सकता है कि नेक्स्ट और 2-3 महीना और खींचे, पर उन लोग को लगा कि इसके वजह से डिमांड पे फर्क आ रहा है, तो वो वहां से वापस से थोड़ा डोविश हो जाए. Then again, this data point that I have given, ki bottom has to be formed between 9 to 15 months. So everything is like, so for me, ye barish ka period jane do, maybe ye next 2-3 months hum log consolidate karenge. Uske baad mein I see a up move, but abhi wo up move kitna hoega, that I have not yet seen, but I see. Whatever, so for me, niche ke side pe 1000 point zyada, not 1000 point, yahan se agar aap 15-800 ka levels pakadte ho, तो 1200 से 1300 पॉइंट का मैं मैक्स टू मैक्स डाउनसाइड पकड़ सकता हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो. अपसाइड पे वही एक बार शायद से थोड़ा 16200 पे हम लोग शायद से पुल बैक कर ले, एक बार 16200 जाके आए, उसके बाद हम लोग वापस पुल बैक कर ले. वन मोर थिंग इज डिफेंस सेक्टर, मैंने बहुत बार बोला है. One more interesting news that came today is that G7 has sanctioned Russia defense companies, मतलब defense exports
सैंक्शन कर दिया है. तो एंड इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? वी हैव स्पोकन दैट हम लोग का जो 1.25 लाख करोड़ का जो हम लोग इक्विपमेंट लेते हैं उसमें से खाली 30,000 इन हाउस है. एंड वी वॉन्ट टू गो एंड वी वॉन्ट बाई FY 2026-27 वी वॉन्ट दैट 100% टू बी इन हाउस. नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपोर्ट 30,000 crores ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. सो दैट इज गोइंग टू बी रियली बुलिश. तो एक वो सेक्टर पर ध्यान देना. सेकेंड ऑटो, जैसे अमित भाई ने बोला, टेक्निकल्स पे भी अच्छा लग रहा है, स्पेशली महिंद्रा. महिंद्रा हम लोग ने 2-3 बार बात की है. आज उसका स्कॉर्पियो भी लॉन्च हुआ है. इट हैज अ वेटिंग ऑफ 7-8 months. सो दैट इज वन सेक्टर दैट यू नो वी कैन एक्चुअली लुक इन टू. वो सेक्टर में क्या हुआ है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट सेमी कंडक्टर का जो शॉर्टेज था ना, दैट हैज एक्चुअली हेल्प्ड देम, दैट हैज एक्चुअली हेल्प्ड ऑटो कंपनीज टू फोर्सी देयर ऑर्डर्स. कैसे होता है कि ये कंपनीज का ना ऑर्डर बुक बहुत डायनामिक होता है. वो सीजनैलिटी होती है, पर बहुत डायनामिक होता है. पर ये शॉर्टेज के वजह से क्या हो गया, दे हैव एडवांस बुकिंग एंड दे आर प्लानिंग देयर प्रोडक्शन. और उसके वजह से क्या, यू कैन सी थ्रू द कॉस्ट, मतलब आप कॉस्ट के ऊपर ध्यान भी दे सकती हो. तो उसके वजह से भी रिजल्ट अच्छे आने चाहिए. सो ऑटो इज सेकेंड. आई टी आई हैड टोल्ड एफएक्स गेन्स आएगा. हाइक्स हैव बीन लास्ट टाइम कम्पेयर टू FY 2021-22 जो एम्प्लॉय को हाइक्स देते हैं वो कम है और चर्निंग रेट भी कम है. सो दीज फैक्टर्स विल प्ले इन टू पिक्चर. सो दीज 3 sectors आई एम बुलिश अबाउट एज ऑफ नाउ. यस, दैट्स फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फैमिलो. सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरा भी यही है. जब तक मार्केट 15,400-16,200 की रेंज में रहता है, मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, एक महीना तो ऐसा रहना चाहिए. एक्सपायरी अराउंड अच्छी हो सकती है 16,000 के आसपास, और इस रेंज में रहता है तो मैं कंफर्टेबल हूँ. थोड़ा कंसोलिडेशन भी चाहिए और लोअर रेंज होल्ड करना चाहिए अराउंड 15,400. सो 800 पॉइंट में अगर हम रहते हैं से इन कमिंग 1 month और 20-25 days, सो इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल अकॉर्डिंग टू मी. अच्छा है, कंसोलिडेशन होना चाहिए यहाँ पे. लोअर रेंज भी ब्रेक नहीं करना चाहिए 15,400, और अगर 16,200 के ऊपर हम चले तो हो सकता है अच्छा बुल फेस देखने को मिले, पर वो उसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं. तो इंडिविजुअली अगर हम सेक्टर की बात करें तो ऑटोज तो हम काफ़ी टाइम से इस स्पेस में डिस्कस कर ही रहे, और M&M, अशोक लेलैंड सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है जो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं स्टॉक्स. उसके अलावा IT भी काफ़ी टाइम से डिस्कस हो रहा है अपने स्पेसेस पे. मुझे लग रहा है IT में थोड़ा सा अब अच्छा स्पार्क आना चाहिए गोइंग इनटू द नेक्स्ट मंथ जुलाई. IT इंडेक्स भी काफ़ी मैंने पढ़ा भी था और देखा भी है कि अच्छा बॉटम फॉर्म कर रहा है. तो IT कैन बी द सेक्टर वी कैन लुक अप टू इन द कमिंग मंथ. ऑटोज तो है ही है, बाकी सेक्टर्स तो मुझे न्यूट्रल ही लग रहे हैं. बैंकिंग भी थोड़ा सा न्यूट्रल है क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज परफॉर्म किया नहीं है, पर निफ्टी अच्छा लग रहा है. सो यही एक से एक महीने के लिए तो कम से कम ये रेंज पकड़ के चले 15,400-16,200. इस रेंज के बीच में रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है. द चांसेस ऑफ गोइंग हायर विल बी, यहाँ से ज़्यादा अच्छे चांसेस बनेंगे कि हम आगे कर सकते हैं इस रेंज को अगर हम प्ले करें तो. सो दैट इज़ इट. और IT में पहले भी 2-3 stocks मैंने रिकमेंड किए हुए हैं, अभी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं. Mindtree हो गया, Emphasis, बिरला सॉफ्ट. ऑटोज में काफ़ी बार डिस्कस हो गया है. M&M है ही है जिसने परफॉर्म करके दिया है. अशोक लेलैंड नेक्स्ट मुझे लगता है. दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. एंड डॉक्टर आशु का व्यू लेते हैं, देन सोवित, एंड देन विल टेक द क्वेश्चंस. थैंक यू. तो निफ्टी मैं अभी भी मैं पॉजिटिव ही हूँ. एंड आज मैं मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि गैप बहुत बड़ा था तो मार्केट रिट्रेस हुआ एंड 100 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट होता रहा है ये टोटल. तो एक्सपेक्टेशन वही है कि निफ्टी 16,200 की तरफ मूव करना चाहिए, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है. लेकिन ट्रेड तभी करेंगे जब कंफर्मेशन आएगा. तो अगर वो नीचे जाता है तो आई विल नॉट ट्रेड, और अगर ऊपर जाता है और जैसा सब लोग करते हैं कि स्ट्रेंथ दिखती है और हाईस टूटते हैं, तो फिर डेफिनेटली
लॉन्ग साइड में ट्रेड करेंगे और सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही रहेगा। आज का कंसोलिडेशन के ऊपर हम अगर जाते हैं क्रॉस करते हैं तो लॉन्ग साइड में ही ट्रेड करूंगा मैं और फाइनल वही 34,400-35,000 की तरफ एक्सपेक्टेशन है कि ये मूव करेगा। और स्टॉक साइड में जैसे अमित सर ने बताया अल्ट्राटेक, तो उस पी एम में मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, तो अल्ट्राटेक रैमको एंड अंबुजा में थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। प्लस BEL जैसे फेवलो सर ने बताया तो इस स्पेस में मतलब है स्ट्रेंथ, तो BEL एक अच्छा चार्ट बना रहा है और आज भारतीय एयरटेल में भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है पॉजिटिव और केबल्स में पॉलीकैब में थोड़ा दिख रहा है, REC थोड़ा ठीक लग रहा है, बाटा भी अच्छा लग रहा है, तो कुछ काउंटर्स हैं। और ऑटो तो चल ही रहा है तो ऑटो में अभी हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम बिगिन हो रहा है स्कॉट्स और टाटा मोटर्स में, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जो ऑलरेडी चल रहे हैं मैंने मारुति सर ने बताया था, अशोक लेलैंड भी है, तो वो सब ही रहे हैं, तो इन स्टॉक्स पे थोड़ा सा फोकस रख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। So with your views, and then we go to Sainik sir. Hi Amit ji. Hi Himanshu. Basically view मेरा तो mostly ऐसे ही है कि अभी तो sideways ही लग रहा है market, जैसा already एक डेढ़ महीने से sideways ही है market, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, so continue रह सकता है। एक down leg मेरे को लग रहा है last एक बाकी है, एक बार एक न्यू लो बनाना चाहिए मेरे को ऐसा लग रहा है, आई मे बी टोटली रॉन्ग। ओके, क्योंकि अभी भी जो मूवमेंट आ रहे हैं ना स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे, भले आधा टका पौना टका का मूवमेंट आ रहा है इंडेक्स पे, बट कन्विंसिंग नहीं है ये रैली, मेरे को मजा नहीं आ रहा है जैसे एक्सपेक्ट करूंगा वैसा नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखो तो न्यू हाईज अगर देखें तो एक ही बनाया CNX 500 में, सिर्फ एक ही स्टॉक है जिसे न्यू 52 वीक हाई बनाया जो है MNM, ठीक है। तो स्ट्रेंथ नहीं है, ब्रेथ अभी भी आई नहीं है। मैं जो एक टाइम पे 200 स्टॉक ट्रैक करता था, अभी मेरा लिस्ट जो है श्रिंक होकर के सिर्फ 98-99 ऐसे स्टॉक्स हैं, उससे ऊपर स्टॉक्स मैं देख ही नहीं रहा हूँ मार्केट में एज ऑफ नाउ। और मेरा कैपिटल डिप्लॉयमेंट समझो आप कि 20% ही है, 80% मैं कैश पे बैठा हूँ। ओके, और मेरा दोनों साइड पे थोड़े थोड़े ट्रेड्स है, मतलब शॉर्ट भी ट्रेड्स है लॉन्ग भी ट्रेड्स है, तो देखा जाए मोटा मोटी थोड़ा सा बुलिश है ज़्यादा डिप्लॉयमेंट, समझो कि एक 50% बुलिश ज़्यादा होगा देन बेरिश साइड, थोड़ा डिप्लॉयमेंट अभी बुलिश साइड पे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो दो चार सेक्टर्स अच्छे आप जैसे मोटा सब ने बोला, ऑटो ऑटो सेक्टर में मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लीड कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑटो सेक्टर लीड कर रहा है पूरे, और कोई सेक्टर इतना लीड नहीं कर रहा जितना ऑटो कर रहा है। IT में मैं बैरिश हूँ, अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि ये रैली IT की सस्टेन नहीं करेगी, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरे सेक्टर्स जो हैं वो होटल सेक्टर्स अभी भी ठीक लग रहे हैं, आप देखो इस पूरे फॉल में इंडियन होटल्स गिरा नहीं है इतना, लेमन ट्री है वो भी इतना नहीं गिरा है, आपका ITC भी एक होटल प्ले की तरह ही है, उसमें होटल का भी एक कंपोनेंट है, ITC भी खड़ा हुआ है, एक होटल सेक्टर मेरे को अच्छा लग रहा है, उससे बड़े नाम नहीं है ज़्यादा बट एक होटल सेक्टर अच्छा है। दूसरा एक सेक्टर अच्छा लग रहा है वो कैपिटल गुड्स थोड़ा अच्छा लग रहा है, ABB है जैसे, थर्मैक्स है, इतना गिरे नहीं है, आप सीमेंस देखो वो ये पूरे फॉल में इतना गिरे नहीं, 52 वीक हाई के 10% की रेंज में ही बैठे हुए हैं वो लोग, तो दे जस्ट नीड वन ट्रिगर टू मूव अप हायर। ओके, अब वो आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है, बट ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो 52 वीक हाई के काफ़ी करीब हैं, और अब अगर देखोगे तो सिर्फ 20 एक स्टॉक है जो 52 वीक हाई के 10% की रेंज में है, बाकी सारे स्टॉक्स जो है आप 1000 स्टॉक्स अगर मैं गिनूँ जो डिसेंट स्टॉक है, 1000 मैं 1000 करोड़ के नीचे के स्टॉक्स देखता ही नहीं हूँ, 1000 करोड़ के जो ऊपर के स्टॉक्स है करीब करीब 900 स्टॉक्स हैं मेरी टोटल वॉच लिस्ट में NSE की, तो उसमें से सिर्फ मेरे को एक 20 स्टॉक ऐसे दिखते हैं जो 52 वीक हाई के 10% की रेंज में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट मोस्टली इन 20 स्टॉक्स में ही है, उसके अलावा उसके बाहर मैं ज़्यादा अभी एज ऑफ नाउ नहीं देख रहा हूँ।
बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ. थैंक यू. मेरा एक फैबिलो के लिए क्वेश्चन था. फैबिलो भाई, आज बजाज ऑटो ये बायबैक एंड इफेक्ट ऑन शेयर, इफ यू कैन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सके तो प्लीज. मैं बजाज नहीं ट्रैक करता हूं. आई हैव प्रॉमिस्ड दैट द डे आई स्टॉप गेटिंग कॉल्स फ्रॉम बजाज फाइनेंस आई माइट स्टार्ट ट्रैकिंग बजाज ग्रुप. तो जिस दिन उन लोग ने कॉल बंद किया मैं चालू करूंगा, तब उसके पहले मैं नहीं करने वाला. तो सोवित, इफ यू कैन शेयर योर व्यूज, बायबैक क्या आया, थोड़ा मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम है, एंड इफ यू आर ट्रैकिंग बजाज ऑटो. सो वील कीप दिस क्वेश्चन साइड एज ऑफ नाउ. सैनिक सर का व्यू लेते हैं. सैनिक सर, यस, गो अहेड विद मार्केट व्यू एंड मार्केट व्यू. Yeah, yeah. Good evening, sir. Thank you for giving me an opportunity. I just came for a few minutes. Amit sir, thank you. I hope your new business is doing very well, which you started. Get to start. Okay, whenever it starts, I'm sure it'll do very well. All my best wishes for you, sir. First, let me quickly answer Himanshu's question about Bajaj Auto. He asked. In my opinion, Bajaj Auto is very undervalued at these levels. In fact, it is one of the most hated two-wheeler stocks because of this buyback thing. And today, I think it got sold into because of that buyback, which people thought it is not a good buyback. In my opinion, it is the best thing they could have done. Mine is a very contrary opinion, but this is the logic here. The logic is they're putting only 2,500 crores as buyback and they're buying it from the market. That is the right way to do it, not do this thing which TCS and other people did, where you give the feeling that they'll buy back at those highest levels and very few actually get accepted, shares get accepted. So the huge disappointment for shareholders when they end up buying in the market, secondary market, hoping that they'll get a higher price in the buyback. What Bajaj Auto has done is the right thing to do, which is generally what in the US also they do. They buy it from the market. And all good companies buy it from the market. This thing about saying that you tender is really, I don't think, is the right way to do it. So that is one part. What it will do is it will protect the downside. So you know that they are in the market for 2,500 crores. That's a very good thing for an investor. Second and more important thing which people have missed is they have about 18,000 crores cash and they have going to buy back only 2,500 crores, which means nearly 15,000 crore cash is available. And what people said is, why should they put only 2,500? Why can't they have put more? That is the logic which people are talking about, which is a wrong kind of logic in my opinion, because what they have said is that they will return the money to the shareholders, which means you can expect a hefty dividend to come from Bajaj Auto in the next few months. And that dividend will be so large, which people wouldn't have expected. So I think what they've done today is, I think the market has not understood whom all are my friends and my family office. I've loaded onto Bajaj Auto at these levels. So that is as far as Bajaj Auto is concerned. So I'm extremely bullish on that stock. June numbers will not be good, is what the Bajaj themselves have said. And they also have said that from July, there will be no way they can meet the demand. So I think what you will see in August 1st, July numbers of Bajaj Auto will be something which people will be shocked on the positive side. So that's for Bajaj Auto. Coming to the market, again, my views are very contrarian. I am extremely bullish on the market. I have no ifs and buts in this market at this point of time. So what rally we are seeing is, I think, beginning of a bull rally. This should finally cross that 18,600 over next few months. Now, the only caveat here is that if some news comes, which we do not know at this point of time. So what we know at this point of time is the Ukraine war. We know Fed interest rate hike. We know Fed's quantitative tightening. We know RBI's policy. We know inflation. So these are the things which are known to us. So assuming that no new unknown thing comes and hits us, based on what we are seeing today,
I'll be very surprised if we don't see a new high in the next 6 to 8 months. I doubt we will go below 14,500, 15. Some people are talking of 14,000 by the end of this week. And some people are talking of 13, 12, 11. I think maybe in your spaces or some spaces, I heard some people talking of 12 and 13 and all that. And they're putting stop losses at 17 and 18. And all that. Basically, they're very, very bearish. They believe that 17,000 won't come, or even 16,000 won't come. And they expect the 14,000 to come earlier. In my opinion, I'll be very surprised if you don't get 17,000 in the next 15 days. So I think people have underestimated the market. People are extremely bearish. People are extremely nervous. And I have not seen such kind of nervousness and bearishness in my 30-year career when there is a lot of good news. I have seen a lot of bear markets beginning from 1992. And whenever the bear market bottom is there, generally there is a lot of bearishness. Why? Because there is no good news around. This is the first time I am seeing in my 30 years of experience when there is a lot of bearishness and the markets are down, of course, at the bottom I am talking of. A lot of bearishness, a lot of feeling of helplessness, people have lost money. And this is the first time I'm seeing bearishness. People are overlooking the good news. The enormous amount of good news available. Commodity complex, for instance, has collapsed. Sugar is down 60%, wheat is down 30%. Many, many commodities are down 35-40%. So they're in a bear market. Actually, now commodities are in a bear market. So that is the beginning of a equity bull market always. If you look at US 10-year yield has fallen off the cliff from 3.5 to some 3.17. You're seeing NASDAQ falling 35%. You're seeing Indian sentiment in 16. Last week it was 16 in that index. This was last seen only in March 2020. Globally, people are having huge amount of cash, the highest amount of cash since 2009 globally in terms of equity funds. And there is a half year rebalancing, which is supposed to take place this weekend. So I expect the US markets to really take off in the next 2-3 days. Maybe today, I don't know. Today it is unsure. I expect another 3-4% rise from here in the equity markets in the US, which I think will follow in India. So I think India is well, in terms of, the macroeconomics, India is in a very, very sweet spot. Very, very surprisingly, it's in the sweetest spot possible for our equity markets for the last few years, not maybe last 4 or 5 years. We've never seen such a situation where the entire market is bearish or cautious. And at best, the bulls are talking of only 16,500 or 17,000. And the economy, macro economy is very good. I told you about commodities. Monsoons have picked up. And what we hear from today's IMD is that this month, July is actually the month when we should look for monsoons. So July will be very good. July is the sowing season, not June. June, there is always a deficiency. So based on their patterns, they say July is good. That is expected anyway. Then our edible oil prices have come down. Crude oil is not going up anymore. So I won't be surprised if you see double digit in crude, the way it is going. And dollar index is down. And I think dollar will come back below 100 in the next few weeks, 2 months. So I look at a little longer than, I am not a very short term guy. I do day trades, at least 10 trades a day I do. But for me, I look more at, macros and look at what will happen 3 months down the line, 6 months down the line. If there is no new bad news, which is, of course, not known to us. Right now, with whatever known bad news, there is a very high probability that we should cross your 18,600 in the next few months. We should have a very happy new year, 2023. I've never seen in my 30 years this kind of a scenario. I've never seen where extreme bearishness in the market and extreme and a very good, very number of green shoots in the economy. This combination should take the market to a new high. So anyway, we take it step by step. I have been bullish since May 12th, and I'm clearly able to see what
probably people are not able to see today. I'm at least able to see that the worst is over as far as the economy is concerned. So the markets will may take their own time. But I would never think of shorting in this market at all. I have not shorted since May 12th. I used to be shorting it since last August. Continuously, I was a big bear and I have become a big bull now. I was convinced then. I'm convinced now after May 12th. And I don't know why people are scaring others by saying it will come to 14,000 this weekend, 13,000. I don't know what their logic is. At least I have not heard any logic from their side. But I can give you logic as to, I've given you logic as to why it should hit a new high. I don't see any reason for me to be bearish at all. I've created a portfolio called the kindergarten portfolio because one of the big analysts said that my analysis capability is equal to only kindergarten. So in his honor, I've created that kindergarten portfolio, basically 10 stocks from the Nifty 50. I expect those to beat the Nifty 50. This is there on my timeline. And sectors anyway are, if you look at the charts, clearly Bank Nifty has not made a new low since March. So banking, especially private sector bank will do well. Of course, State Bank of India is there, will do well. Banking will do very well. Autos, we have seen. For instance, Bajaj Auto has made a low in December of 2021. It has not made a low in March. It's not made a low in May. It's not made a low recently in June. So Bajaj Auto and TVS are the strongest stocks if you really look at when they made their lows. Both TVS, in fact, made a low in August 2021. Since then, it has gone up. Many people might not have noticed it. Then FMCG index is extremely strong. PSE index is strong. Energy index is strong. Reliance made an all-time high in April end. M&M, of course, somebody mentioned, just made a high recently. So we don't have to worry about whether they make a high. See, bull markets start when the bear market ends. Bear market ends when the markets have collapsed. Today, we are seeing 50% of NSE stocks, 1,800 stocks, more than 50% of the stocks are down by at least 50%. And this kind of statistic was last seen on December 26th of 2016. Subsequently, the market went up by 41%, peaking out in January 2018. So I expect something like that to happen, which means only select stocks will go up, like what we call Rithik rally, you know, HRIT, Hindustan Lever, Reliance, ITC, not Infosys. A few select large cap stocks will go up. Mid cap and small cap can go up only if there is liquidity, which right now Fed and their RBI and all, everybody is tightening liquidity. There is money in the market. The money will go only to the large cap stocks first, and then it'll come to the mid cap and small cap. So I am bullish on the index. I'm bullish on large cap stocks. I'm bullish on auto, FMCG, private sector banks, and of course Reliance. I feel Reliance will lead this rally. It is just sleeping now. It'll get up and leave. So this is my overall understanding of the market. And believe me, I've been wrong 50% of the time. So I made 30,000 plus wrong trades in my career. So you must take this one with a pinch of salt. But I've given you some logic as to what I'm thinking. I'm fully invested. I have call options for July, 16,000, 16,300, 16,600. These are the call options I have for this one. But I am fully invested as far as an investor is concerned, fully invested. I don't have any more money to spare. Thank you. Chandan bhai, would you like to answer? I don't know. I missed the question. So he's saying, Nilesh Shetty asked that 15,800, he has been hearing 15,800 on spaces a lot. So once it has come, why aren't we seeing higher levels? And exactly, what is the... got it. देखो निलेश भाई ये जो निफ्टी का आप कैंडल देखोगे डेली कैंडल तो डेली कैंडल में टॉप से एग्जॉशन दिखाई दिया है बोथ इंडाइसेस में निफ्टी और बैंक निफ्टी में और वीकली का ओपन हाई बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑलमोस्ट सिमिलर है तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से लॉन्ग यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए अगर ये 780 के नीचे निफ्टी कल रहता है 10 मिनट के लिए तो इनफैक्ट मैं शॉर्ट जाने वाला हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 860
बैंक निफ्टी 750 के नीचे रहता है तो मैं शॉर्ट जाने वाला हूँ स्टॉप लॉस ऑफ 900। ये 800 के ऊपर जो क्लोजिंग आई है, इस क्लोजिंग में आप देखेंगे कि जो मार्केट के लीडर्स होते हैं, आप रिलायंस देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, एचडीएफसी देख लीजिए, तीनों ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज हुए हैं। आज रिलायंस का भी ओपन हाई सेम था वीकली ओपन हाई। ये सब चीजें अच्छा साइन नहीं होता मार्केट की तेजी के लिए। ऑटो सेक्टर में, पूरा सेक्टर में एक ऊपर से एग्जॉशन दिखाई दिया है, रिवर्सल के साइन बनने लगे हैं, टॉप अप साइन बनने लगे हैं। तो ऐसी कंडीशन में लॉन्ग को यहाँ से नया लॉन्ग लेना इज नॉट एडवाइजेबल। निफ्टी लॉन्ग के लिए वेट करिए, एक्सपायरी भी है, बहुत सारे वॉइस, बहुत कॉल राइटिंग बहुत अग्रेसिव हुई है ऊपर के भाव पे। तो जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक नई तेजी नहीं करनी चाहिए यहाँ से। इसलिए इसी रीजन की वजह से आज हम लोग नई तेजी नहीं करी हमने, और शायद थोड़े बहुत शॉर्ट्स बनाए हैं, और कल के ओपनिंग और कल के पहले घंटे के बाद अपने डायरेक्शन को, ट्रेड को अग्रेसिव डायरेक्शन में ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग तो अभी अपने को भी नहीं पता, बट आई एम बाइसिंग, आई एम सीइंग समथिंग डाउनवर्ड्स। कहने काम सेट या हाजर टू आंसर योर क्वेश्चन। हेलो, आई हैव क्वेश्चन प्लीज एंड अ व्यूअर। सेट सर, आपका क्वेश्चन, आपको आंसर सेटिस्फाई है कि आपको कुछ और क्वेरी है इसके बारे में? नहीं नहीं सर, करेक्ट है सर, मैं तो सीखने ही आता हूं सर। आप लोग नहीं सर, हम सब सीखते हैं सर, हम भी आज भी सीखते हैं। नहीं नहीं सर, ठीक है सर, फाइन, थैंक्स। I'll call your names before you all answer. Please wait. Yes, yes, Nitin, sir. Go ahead. Yes, Nitin, sir, go ahead. You'll have to unmute yourself. Okay. Am I audible now? Yes, you're audible. Sure. Thank you. Thank you. I was watching the market closely, and if we have not sustained at 1590-900 today, but most of the time breadth was positive and we didn't close below 15800 also, or 700 as we discussed in spaces in last 2-3 days. So it is not the probability that we will try tomorrow or because of its expiry, but most of the sectors were looking exhausted. Means most of the heavyweights of auto, IT, banking, they were not catching up at the highest point. So can anybody guide me, because what was the reason? Maybe because of the setup of the market or open interest position that we could not cross, but we can cross after the expiry, because charts are showing reversal. That's my question. Open below 15700 or yes, within one or two hours it sustained at this level only, or it opens flat. It might be a case. Doctor sahab, ek minute mein main aapko, let me tell you, today also the advance decline ratio was 4.5:1 on Nifty. Yes, Nitin ji, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सब कुछ सही है, बट एज ए प्रैक्टिस मैं अपने बारे में तो बोल सकता हूँ, आई डो नॉट ट्रेड इंट्यूशन, आई डो नॉट ट्रेड समथिंग, आई ट्रेड सेटअप। सेटअप में जब तक नई तेजी नहीं बनेगी, आई नॉट गो पुट कॉल। पुट कॉल के हिसाब से ही मैं ये क्रॉस क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल जो ट्रेड सेटअप बना होगा उस हिसाब से तो मार्केट नीचे जाएगा, पर जो स्टॉक्स में
स्ट्रेंथ दिख रही है रिवर्सल की, उस हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए मेरा ये कहना। मतलब मेरे को लीडर्स में तो स्ट्रेंथ दिखी नहीं, मेरे को लीडर्स में रिवर्सल दिखाई दिया, बीट रिलायंस, बीट एचडीएफसी ट्विस्ट, बीट द अब तक का लीडर ऑटो, मेरे को सब में रिवर्सल दिखाई दिया। दिस इज द रीजन आई एम नॉट लॉन्ग एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम। आई अगर ये कल रिवर्सल ऑन हायर साइड और लोअर साइड लेवल्स ऑन हायर साइड ऑब्वियसली, जो जो ब्रेक नहीं किया ऊपर में और वहां से रिवर्सल आया लो के लिए, नीचे के लिए, डाउन साइड के लिए, तो दिस इज द रीजन आई एम नॉट बुलिश। और दिस इज द रीजन यहां पे हम शॉर्ट्स की बात, मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूं, सबके व्यू अलग-अलग होते हैं, मेरा सेटअप में व्यू नहीं, प्योरली टेक्निकल में ही डिस्कस कर रहा हूं मैं अपना। टेक्निकली मार्केट इज नॉट, टेक्निकली मार्केट इज नॉट बुलिश फ्रॉम दिस लेवल। Nitin sir, as per Chandan bhai, markets are not bullish according to him. Let Dr. Ashutosh answer. Thank you. Okay. Nitin ji, hum technically koshish karte hain aapko explain karne ki. 17th ko aap dekhenge, 17th, 20th and 21st tak ek market ne ek support line banayi thi 15,200. Uske baad humne wo range todi और ऊपर गए हम लोग और लगभग 15,700-16,17 हमने टच किया, नंबर वन थिंग। उसके बाद नेक्स्ट डे 22nd को एक गैप डाउन बना और वी केम डाउन अगेन। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ने दूसरा सपोर्ट लाइन बनाया जो कि 15,350-60 के आसपास है। तो तीन दिन में जो कंसोलिडेशन रेंज से हमने ब्रेकआउट दिया, फिर हम वापस रिट्रेस हुए, बट दिस टाइम वी मेड हायर सपोर्ट, ठीक है, भले ही वो 100-150 पॉइंट का था, ठीक है। उसके बाद फिर 24th मार्केट ने एक फर्स्ट गैप दिया अबव दिस कंसोलिडेशन जो उस दिन बना था, वो पहला ब्रेकआउट था। उसके बाद मार्केट साइडवेज मूव किया, साइडवेज मूव करके वो फिर हल्का सा रिट्रेस हुआ और 15,600 पर सपोर्ट लिया। आज मार्केट उस रेंज के ऊपर जो स्विंग हाई था उस दिन का, दैट वाज 15,750, में फ्यूचर चार्ट देखता हूं हमेशा, तो उसके बाद गैप दिया। आज गैप देने के बाद वी आर, दिस वाज द सेकंड गैप, रन अवे गैप बना, नाउ वी आर रिट्रेसिंग बैक, अगेन नीचे आए, देन सपोर्ट वाज, स्विंग वाज 15,832। सो इन दिस पैटर्न अगर आप बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो 200 से सपोर्ट लाइन शिफ्ट हुई 360, एक गैप आया, आज दूसरा गैप आया, कल 600 पे सपोर्ट बना, आज 800 पे बना। सो इसका मतलब यह है कि मार्केट नीचे से धीमे धीमे करके ऊपर की तरफ सपोर्ट शिफ्ट कर रहा है। अब आप लॉन्ग कब लेंगे, जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है ना। अब गैप की बात करें हम, तो गैप थ्योरी के हिसाब से जब तक ये पूरा गैप फिल नहीं हो जाता है, दैट लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट, एंड दैट इज द प्रीवियस स्विंग हाई वॉज 15,750। तो जब तक मार्केट 15,750 के नीचे नहीं आता है, इट इज अ बुलिश पैटर्न। अब कल का, आज का जो सपोर्ट है, अगर ये कल इंटैक्ट होता है, और हाई, स्विंग हाई क्या है 930, तो 930 के ऊपर हम जैसे ही जाएंगे वैसे ही स्ट्रेंथ आनी चालू होगी, और अगर आती है देन वी विल ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड। अगर मार्केट और यहाँ से थोड़ा नीचे जाता है तो आपको एकदम बेयरिश नहीं होना है जब तक कि 15,750 इंटैक्ट है। उसके अंदर जाता है तो आई विल नॉट टेक शॉर्ट, मतलब दिस इज माय ओपिनियन, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज क्लियरली बुलिश, टर्निंग बुलिश स्लोली इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, या इट इज कंसोलिडेशन, यस इट इज कंसोलिडेशन, कल ये विद हायर रेंज, विद हायर रेंज, हां सपोर्ट इज शिफ्टिंग हायर, कल कंसोलिडेट हुआ, आज भी कंसोलिडेशन मान सकते हैं हम। जैसे हाई टूटेगा, स्विंग हाई आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ले ले, ये तो ओवरऑल स्विंग है। उसके बाद अगर ये क्रॉस होता है तो डेफिनेटली बुलिशनेस आई जाएगी। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आप नीचे से ट्रेड करते हैं तो आप स्विंग्स को देखें कि जिस भी टाइम फ्रेम को आप देखते हैं, अगर उसमें हाईज ब्रेक होते हैं तो देन जो स्विंग लो रहेगा इमीडिएट उसको। मैं एक कुछ और चीज हाईलाइट कर रहा था जो आपने बोल दिया कि हमको ना बेरिश रहना है, हमको फ्लेक्सिबल रहना है। हाँ, मार्केट यदि, हाँ नहीं, यदि मार्केट हमको चीट करता है, मान लो किसी तरह से, मान लो उसने ऊपर ले गया और फिर नीचे ले आया, उल्टा कर दिया मान लो, तो आपको लेवल, हमको उसको प्रिपेयर रहना चाहिए। यस, ऐसा नहीं कि हमने कभी कभी, क्या होता है जैसे आज भी एक चीज हुआ, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15,900 को तोड़ देगा शुरुआत में, एक्सपेक्टेशन दोपहर तक, तो दोपहर में भी लग रहा था कि ये तोड़ेगा, पर वो फिर 100 points डाउन बंद हुआ। Yes, तो ऐसा कल भी कर सकता है कि वो 750 पे ले आए या 800 पे ले आए, या पूरे दिन 800 पे घुमाए और उसके बाद एकदम से पीछे ऊपर मार दे।
ऐसा भी हो, क्योंकि नॉर्मली एक्सपायरी में ऐसा होता है 750 तक बेरस ना हो, सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो स्विंग लो लेके लॉन्ग ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि वी नेवर नो कि क्या पोजीशन कटेगी क्या बढ़ेगी, ये तो उस समय पता चल जाएगा। ग्रेट, आई गेस दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन, यू साउंड कन्विंस्ड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। अगर एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, कभी लीजिए जानते होंगे कि जनरल ड्राइविंग सर्टिफिकेशन के ऊपर बात है, कल हमने जब हमने डिस्कस किया था तो मीटिंग में हमने ड्राइविंग सर्टिफिकेशन की बात करी थी, तो हैरी मार्कोविट्स करके एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको 1990 में एक इकोनॉमिस्ट में नोबेल प्राइज मिला था। मैं इसलिए बता रहा हूँ सबको कि ये इतनी अमेजिंग चीज थी डाइवर्सिफिकेशन। अपन जो पहले क्या चल रहा था कि आर टू मच फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल रिटर्न्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स, सो ही प्रपोज द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड रिटर्न ऑन ओवरऑल पोर्टफोलियो इज इम्पॉर्टेंट एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो पे जो रिस्क लेते हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग स्टॉक बाय करते हैं उन्हें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि डाइवर्सिफिकेशन कोई छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है, उस बंदे को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो आपको कभी भी एक ही चीज के पीछे नहीं भागना है कि एक ही चीज बुलिश लग रही है तो जैसे डिस्कस कर रहा है कोई तो पूरा पैसा उस पर लगा दिया। ट्रेडिंग में भी डाइवर्सिफिकेशन करके रखना है, पोर्टफोलियो में रखना है। ये मतलब इन्वेस्टमेंट में एक टर्न अराउंड था और उस बंदे को नोबेल प्राइज मिला था। दो थ्योरी प्रपोज करी थी, एक मॉडर्न पोर्टफोलियो और एक कैम्प थ्योरी बोलते हैं उसको, इसको कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें ओवरऑल रिटर्न अपने देखने हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। इमीडिएटली क्या होता है, कुछ लोग कुछ ऐसे मल्टीवर्स के पीछे पॉइंट इज दिस, आप फोकस रहे कि आपके ओवरऑल कैपिटल पे एक अच्छा सा रिटर्न जनरेट होता रहे जो मार्केट से थोड़ा सा ऊपर रहे या इक्वल रहे। दैट्स इट, थैंक यू। यस डॉक्टर नरेंद्र, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर नरेंद्र यू देयर? चैतन्य यू कैन गो अहेड। Chaitanya, unmute yourself and you can go ahead. Yes, sir. Thank you, sir. I just have one question about overtrading with for the Dr. Ashutosh sir. How can I avoid the overtrading? Because I'm facing the only issue. Amit sir, aaj le isko question ko ya Friday ko le. Yes, sir. नहीं, मैंने अमित सर से पूछ रहा हूँ, मैंने साइकोलॉजी नॉर्मली भी डिस्कस ऑन फ्राइडे, मतलब आज लेवल्स और उन सब की बातें करते हैं, तो अमित सर बोलेंगे तो आई विल आंसर। आई गेस ही इज नॉट देयर डॉक्टर, यू कैन टेक इट फॉर। अच्छा ठीक है, देखो इन द बिगनिंग ओवर ट्रेडिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ओवर ट्रेडिंग करते हैं हम, है ना, तो ओवर ट्रेडिंग को आप कैसे कट कर सकते हो, उसका एक सिंपल सा तरीका है, you define your limit of the losses, at the same time you define your limit for the profits also. जैसे suppose आपको कुछ पैसा बनाना है और वो बन गया, most of the time उसके बाद भी लोग trade करते हैं और फिर end of the day जो बनाते हैं ना वो भी चले जाता है and sometimes they end up losing money also. तो इसमें आप initially doctor साहब you are not audible. अच्छा चंदन आवाज आ रहा है डॉक्टर साहब का? तो उसमें अपन ये कर सकते हैं कि इनिशियली आप डिफाइन करके चलें, जैसे चंदन जी ने भी बताया कि मेरे दो लॉस स्टॉप लॉस लग गए थे एंड आई एम आउट, तो ऐसे सारे अच्छे ट्रेडर्स की ना अपनी एक वो होती है डिफाइंड एक रूल्स होते हैं कि उनको ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर रेंज ट्रेडिंग से भी बचा लेता है वो आपको, तो आप कैपिटल वाइज भी बचा बना सकते हैं कि आपके पास जैसे सपोज 1 lakh rupees है तो 2% इज माई लिमिट, और उसके हिसाब से ये भी बनाओ कि अगर मेरा अच्छा ट्रेड चला और मैंने पैसे कमा लिए तो उसके बाद आपको रुकना है। यू कैन वॉच द मार्केट बट यू विल नॉट ट्रेड, ये आपको रोकना पड़ेगा खुद को। तो इसको आप अपना लिख के चिपका जरूर लो, नहीं तो भूल जाते हैं अपन रूल्स। सर प्रॉब्लम है ना। ओके सर, जैसे आपने पहले कहा कि वी डिस्कस ऑन साइकोलॉजी ऑन ओनली फ्राइडे, राइट? सो इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात कर सकते हैं अभी आज या फिर फ्राइडे का है सर? डिटेल में फ्राइडे को, आज मार्केट लेवल्स वगैरह सब को जानने रहते हैं तो दैट इज गुड, फ्राइडे को। ओके ओके, नो इश्यू सर।
लास्ट फ्राइडे का एक रिकॉर्डेड मैसेज होगा चैतन्य इफ यू विश टू यू यस सर आई एम फॉलोइंग आई मीन मतलब मैं हर रोज स्पेस अटेंड करता हूँ एंड डॉक्टर आशुतोष सर ने जितने भी कुछ चीजें बताई थी राइट जैसे स्टडी अबाउट इग्नोरेंस अबाउट साइकोलॉजी ग्रीड और फियर क्या होती है रिग्रेट कब आता है होप कब आता है आई राइट राइट इट डाउन एंड स्टडिंग स्टार्ट स्टडिंग इट जैसे गिरगिट ट्रेडर होता है इम्पल्सिव ट्रेडिंग कंपल्सिव ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग राइट जैसे डॉक्टर्स मतलब सर ने एक बार बोला था कि मार्केट को ईगल की तरह वॉच कीजिए राइट कुछ एनिमल्स के एग्जांपल देते मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ और इसलिए दिस पेज इज लिटरली वेरी हेल्पफुल फॉर मी ग्रेट जतन थैंक यू यस जतन सर वुड यू लाइक टू गो अहेड अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मिस्टर जतन हेलो यस गो अहेड Am I audible? Yes, yes, go yes, ahead. मेरा क्वेश्चन है चंदन सर से सर एक्चुअली अभी मैं टाटा पावर IEX और अंबिका कॉटन में बुरी तरह से फंस गया हूँ और मेरा अंबिका में 2600 का परचेस है और टाटा पावर में 235 का है और IEX में है 249 का तो अभी इसको मैं क्या करूं अभी जतिन भाई देखो आपने अपना जवाब पहले खुद ही दे दिया कि आप फंस गए हैं देखिए इन्वेस्टमेंट के और ट्रेडिंग के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हम सबको फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम वो फॉलो नहीं करते हैं ना तो हम तकलीफ पे आ जाते हैं और तकलीफ पे आने के बाद हम उसको कितना भी कोशिश करें हम उस तकलीफ की वजह से उसको निकालना मुश्किल होता है और उस तकलीफ की वजह से हम जो बाकी जो ट्रेडिंग में पैसे बनाने के जो मिलती है ना मौके वो भी छोड़ जाते हैं right. अभी आपको मैं अभी तो ये हो गया है अभी ये तीनों काउंटर में मैं खुद ट्रेड नहीं करता तो मुझे इसके लेवल से याद नहीं है और मेरे पास सिस्टम है नहीं अभी मैं सिस्टम पे नहीं हूँ तो ये तीनों के लेवल्स जो आपने जिस भाव पे लिए थे वो मुझे DM कर दीजिएगा मैं आपको चार्ट के साथ में इसके लेवल्स दे सकता हूँ इसके अलावा तो मैं आपको इस काउंटर में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा बट हाँ आपको जनरल व्यू देता हूँ कभी भी किसी स्टॉक में आप अगर आप इन्वेस्टेड जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिंग के लिए नहीं तो आपके एवरेज बाइंग प्राइस से जो भी आपने ट्रेडिंग सेटअप लगाया है अपना कि आपने आपको तीन ट्रांच में बाई करना है चार ट्रांच में बाई करना है या एक बार में लेना है जो भी आपका सेटअप होगा वो आपका सेटअप है बट आपके एवरेज बाइंग प्राइस से अगर वो स्टॉक 20% नीचे आता है तो उसको उस क्रिप्ट में लॉस बुक करके बाहर निकल जाइए क्योंकि इस कंडीशन में आपके जितने भी लॉजिक्स हैं जितने भी सेटअप्स हैं जितने भी पैरामीटर्स आपने लगाए होंगे बाइंग करने के लिए वो सारे फेल हो गए अगर स्टॉक आपके एवरेज बाइंग प्राइस से 20% नीचे आ गया है तो एक्चुअली क्या है कि अभी अभी मेरा जो एक्चुअली जो मेरा जो जितना भी कैपिटल था वो उसमें बुक हो गया है तो अभी ये डिप भी मैं बाई नहीं कर सकता एक्चुअली आप फंस गए तो आप कुछ नहीं कर सकते तो अब मैं आपको एग्जैक्टली क्योंकि मेरे पास लेवल चार्ट है नहीं तो मैं बिना चार्ट के डेटा के कुछ पे कैसे बता दूं आपको क्या करना चाहिए आप मुझे ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको इस तीनों को चार्ट के साथ में अपने लेवल्स दे दूंगा और इसमें मैं आपको सिर्फ लेवल्स के अलावा कुछ और नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फिर डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा कॉल आपका ही है पैसा आपका है मैं आपको लेवल जरूर दे दूंगा कि ये लेवल अच्छा है इस लेवल के बाद शायद अगला लेवल जितने भी मुझे समझ में आएंगे वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सारे आपको दे दूंगा उसके हिसाब से आप इसको मैनेज करने की कोशिश करिएगा और आगे से ध्यान रखिएगा कभी भी किसी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड जा रहे हैं तो आपके एवरेज प्राइस से 20% नीचे मतलब आप हर तरह से गलत हो गए और अपनी गलती को मान के उससे हाथ जोड़िए उससे बाहर निकल जाइए शायद आपकी जगह मैं होता और मुझे जिस दिन भी ऐसी फीलिंग आती है ना कि मैं फंस गया हूँ मैं उस सबसे पहले उस पोजीशन को छोड़ता हूँ क्योंकि मैं अगर मैं फंसा रहूंगा तो मैं शायद कभी जीवन में पैसे नहीं कमा पाऊंगा एक साइकोलॉजिकल चीज है मुझे जहां भी क्योंकि आपका लॉसेस शायद आप मुझे नहीं पता कितना लॉस किया है क्या पोजीशन है और मुझे जानना भी नहीं क्योंकि फिर शायद मेरा व्यू बायस हो जाएगा मगर मेरे लिए अगर जब भी मैं मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं फंस गया हूँ किसी चीज में तो मैं सबसे पहले उस चीज को छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं फंसा रहूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा एक ट्रेडर मैं एक ट्रेडर हूँ मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर नहीं हूँ मैं ट्रेडर हूँ अगर मैं फंसा रहेगा तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी मैंने पैसे बनाए भी है लास्ट मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है लास्ट 2 इयर्स से तो मैंने ट्राइडेंट में बहुत सारे यस बैंक में बहुत सारे ऐसे
है जिसमें मैंने पैसे बनाए हैं, अभी एक्चुअली मैं लॉस में नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं फंस गया हूँ इस पर्टिकुलर। मैं यार, हैव यू बॉट इट एज एन इन्वेस्टमेंट और एज अ ट्रेडिंग, एज अ ट्रेडिंग स्किल? As far as I can sense na, make my Jatin ji iska main guess karunga. Jaisa aap value aap samajh gaye na, agar someone is saying ki he is atak gaye hai, phas gaye, to he must have bought it as a trader. Abhi unke paas option bacha nahi hai, to he has to be an investor. This is how a trader or investor becomes. So Tata actually kya hai? So Tata, okay, no, actually main trader hu, lekin abhi phas gaya to investor ban gaya. Yes, मैं ये देखो, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत समझता हूँ और मैं साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग में बहुत लगाता हूँ, तो मैं आपकी बात से समझ गया था कि आप एक ट्रेडर हैं और आपको ये अटक गए हैं। तो एक ट्रेडर के लिए, इसलिए मैंने आपको एक ऐसा चीज बताया है कि एक ट्रेडर के लिए जिस दिन ऐसी फीलिंग आए, या आपको फीलिंग आज नहीं आई होगी, या आपको फीलिंग बहुत पहले आ गई होगी, एग्जैक्टली शायद आप पहले मुझसे पूछते तो मैं बोलता जिस दिन पहली फीलिंग आए कि आप अटक गए हैं, आप उस पोजीशन को छोड़ दीजिए, बहुत खुश रहेंगे। और मार्केट कैसे चलता है, सिंपल एडवाइस देता हूँ। क्योंकि आप आए कोविड वाले ट्रेडर हो, तो आपको पता ही नहीं कि मार्केट कैसा घूमेगा, कहाँ से नहीं घूमेगा। तो पहले तो चीज है, पहला चीज सिंपल चीज पकड़ लो, या तो बुक्स पढ़ना शुरू करो, बुक्स पढ़ना शुरू करो कि मुझे सेटअप कैसे बनाने। मुझे नहीं लगता आपके पास कोई भी सेटअप है, लोग सेटअप की बात है ना, मुझे 100% गारंटी कोई सेटअप ही नहीं। बस टीवी वाले ने बोल दिया अंबिका कॉटन अच्छा लगता है, या ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। आपने जिस लॉजिक से खरीदा, वो लॉजिक आज जिंदा है कि नहीं? वो लॉजिक जिंदा है तो खड़े रहो, वो लॉजिक मर गया तो एग्जिट कर जाओ। आज भी आपका जो कैपिटल लेके आए थे 2020 में, अब भूल जाओगे मेरा इंटरेस्ट का ये लॉस हुआ, वो हुआ, वो सब चीजें भूल जाओ, उसको रखे कोई फायदा ही नहीं है आज के दिन में जिंदगी में। तो सिंपल काम करो, अगर आपका कैपिटल फॉर एग्जांपल पकड़ता हूँ 100 रुपया था, आज 100 का अगर वापस 100 भी मिल रहा है, 90 भी मिल रहा है, तो आपने 10 रुपये लॉस किए हैं ना 2 साल में, ठीक है ना। वो इन्फ्लेशन पकड़ लो, वो पकड़ लो कि मेरे पोर्टफोलियो में इन्फ्लेशन लग गया, सब एग्जिट करके शांति से बैठ जाओ। अगर फिर सबसे फिर सुनो ना, पूरी बात तो सुन लो, या पहले आप बोल दो फिर मैं सुन लेता हूँ, चलो वैसा कर लेते हैं। हाँ, अभी मैं एग्जिट कर जाऊँ ना तो भी मैं फायदे में ही रहूंगा, लॉस में नहीं जाऊंगा फिर। लेकिन क्या है कि अभी बाइंग मेरा इतना ज्यादा है कि अभी लॉस नहीं कर सकता मैं। क्यों, कहीं लिखा है कि कानून में कि आपको लॉस नहीं होगा? कहीं आपने जब मार्केट में एंटर किया था, जो ब्रोकर ने जब फॉर्म साइन कराया था, तो उसमें ब्रोकर ने लिख के दिया था कि आपको पक्का लॉस नहीं होगा, हम पक्का गारंटी करके प्रॉफिट देंगे। अभी मैं वेट कर रहा हूँ 18,000 का। मैं वेट कर रहा हूँ 1,80,000 निफ्टी का, तो क्या करूँ, खड़ा रहूँ? या तो पेशेंस रखो उसमें, फिर हमसे मत पूछो, हमसे पूछते तो हम ऐसे ही जवाब देंगे। तो देखो, आपका कन्विक्शन है स्टॉक के लिए, सबसे पहले तो है ना, जो आपका कन्विक्शन है, अगर आपको लगता है मुझे लॉस नहीं बुक करना, मेरा ईगो पहले है, पैसा बाद में, तो अपना ईगो रख के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना है, हम तो सिर्फ कुछ बोल सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, पैसा आपका, जो करना है करो, पूरा जीरो कर दो, उसका 1000x बना लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1000x बनेगा, हम उसमें भी उतना ही खुश रहेंगे, जब जीरो हो जाएगा तब भी हम यही चीज बोलेंगे कि हमने उस टाइम भी बोला था कि लास्ट में डिसीजन आपको लेना है, लास्ट में डिसीजन आपका है, हमारा डिसीजन नहीं है। मार्केट में ना कहीं कोई चीज की गारंटी नहीं है कि मैंने लिया इसके लिए बढ़ेगा, या मैंने लिया इसके लिए, मैंने बेचा इसके लिए घट जाएगा। मार्केट है, मार्केट के डायनेमिक्स चेंज होंगे, क्योंकि जब से मार्केट गिरना शुरू हुआ है ना, तो मिड कैप स्मॉल कैप की तो जो पिटाई हुई है आपको सामने दिखता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो उसमें एक हार्ड स्टॉप लॉस रख लो, जो भी रिसेंट लो बना रहेगा, वो रिसेंट लो का एक स्टॉप लॉस रख लो, वो कट जाता है तो उससे बाहर हो जाना, इससे ज्यादा मैं कुछ सजेस्ट नहीं करता। जैसे जैसे ऊपर जाए तो ट्राई करो कि उसको एग्जिट करने की, ठीक है ना, कम लॉस में निकल रहे हैं। आप ही सोच लो, जो मेरा बड़ा लॉस फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो मैंने पैसा कमाया तो चलो ठीक है, आज भी आप पॉजिटिव में बैठे हो ना, तो और क्या चाहिए यार, वहां से मूव होके कहीं और अच्छे स्टॉक में मूव हो जाओ ना। आपने अंबिका कॉटन किस पर्पज से लिया, आपको पता अंबिका कॉटन क्या करती है? उसके कभी फंडामेंटल पढ़े, कभी फंडामेंटल पढ़े, क्या ईपीएस है उसका, उसकी ग्रोथ क्या हो सकती है अगले 10 साल में, या आईएक्स क्या करता है, क्या काम नहीं करता, या टाटा पोर क्या जा सकती है, ऐसे क्या नहीं जा सकती, कभी आपने पढ़ा है उसका? मैं सिंपल फंडामेंटल की बात करता हूँ। चलो नहीं पढ़ा, आपने कोई टेक्निकल चार्ट देखा उसका? नहीं, मैं स्क्रीनर देखता हूँ, उसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह सब कुछ होता है वो सब मैं फॉलो करता हूँ।
तो फिर वहीं से आपको आंसर मिलना चाहिए। जो आप चीज फॉलो करते हो उसको रिलीजियसली फॉलो करो, फिर डरो मत कि मुझे लॉस आ रहा है। फिर डरते क्यों? अगर आपको अपनी स्टडी पे विश्वास है तो स्टडी को कैरी ऑन करो ना। खुद पे जब तक विश्वास नहीं होगा हम कुछ भी बोलेंगे ना हम सब बेकार है, पकड़ लो, हम सबको भी जीरो आता है ये पकड़ लो, ठीक है। तो आपका कन्विक्शन होना चाहिए जो आप होल्ड कर रहे हो कि मैं तो इसको होल्ड कर सकता हूँ 5 साल के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा तो मैं होल्ड कर सकता हूँ, मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मेरा जो मैं कैपिटल इनिशियल लेके आया था 100 रुपए लेके आया था वो 150 बन गया था और वो वापस 90-100 पर ही है और वहां से 50 भी गया तो मैं कन्विक्शन के साथ खड़ा होगा मैं अगले 10 साल स्टॉक में खड़ा हूँ, वैसा कन्विक्शन है, खड़े रहो, किसको प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको लगता है 100 का 1000 नहीं 5000 बन सकता है या 500 तो कम से कम बन सकता है अगले 10 साल में, तो प्रॉब्लम क्या उसमें, खड़े रहो, चार्ट वार्ट बनता रहेगा। अपनी स्टडी पे पहले विश्वास करना शुरू करो, जिस कन्विक्शन पे लिया था अगर वो कन्विक्शन ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक से निकल जाना, कन्विक्शन ब्रेक नहीं होता तो स्टॉक पे खड़े रहो, ठीक है? ओके थैंक यू। I'll give one view. I'll just mine. Not even 2 sentences. You can hold Tata Power. That price might come soon, but it's fundamentally it's good. IEX it will take by FY25 because the new PPA agreements will come for renewal in most of the states at that point of time. Ambika Cotton I don't know. So these are 3 on fundamental basis. I gave because you looked a bit wary. So. बाकी आप अपना डिसीजन। सो वी कैन टेक अ लास्ट व्यू फ्रॉम जगवीर एंड देन मूव टू क्वेश्चंस। हिमांशु जस्ट म्यूट योर माइक। जगवीर निफ्टी बैंक निफ्टी। यस अमित भाई थैंक यू। शॉर्ट में क्योंकि 12 बज गया ऑलमोस्ट। बिल्कुल मैं भी सोने की तैयारी कर रहा था। ठीक है आज तो 15900 का जो टारगेट था वो ब्रिंच हो गया है। अब आज जो रिवर्स जो आया है ना अमित भाई तो उसमें होता क्या है ना, इस सिचुएशन में जब जो कोई भी लॉन्ग होता है जो 500-700 पॉइंट तो ऑलरेडी निफ्टी बढ़ चुकी थी तो आज जो टॉप से जो 200 पॉइंट या 120 पॉइंट पर नीचे आई है निफ्टी वो इंट्राडे प्रॉफिट बुक किया है उन लोगों ने जो अभी लॉन्ग पोजिशन जिसने भी बनाई है वो निकला नहीं है। एक शार्प शॉर्ट कवरिंग बाकी है, वो शार्ट शॉर्ट कवरिंग 16,000, 16,080, 16,130 ये लेवल शॉर्ट के होंगे और रिवर्सल के होंगे और ये गैंग लेवल के जो टाइम साइकिल का लेवल है वो 16,130 है तो ये उसको डेफिनेटली टच करेगा लेकिन कब करेगा आने वाले वक्त में बहुत शॉर्ट टर्म में आ जाएगा और वैसे भी मैं शॉर्ट टर्म व्यू डालता हूँ बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं बताता हूँ। तो जब तक ये निफ्टी 15,648 के नीचे क्लोज नहीं देता है तो तब तक मेरा टारगेट 16,130 गैंग साइकिल लेवल का जो क्यूब का लास्ट अभी है वो डेफिनेटली आएगा, उसके बाद कुछ आगे सोचेंगे। दो लेवल यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, 15,648 इसके नीचे गया तो बियर साइकिल अगेन स्टार्ट और अपर लेवल 16,130 एक्टिव। अब उसके ऊपर अगर निकलता है तो दूसरा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। सो इन बिटवीन ट्रेड एज पर लाइव चार्ट यहाँ पर रहेगा और बैंक निफ्टी आज वीक दिखाई गई है ट्रेप करने के लिए, वो डेफिनेटली कल टाइम पास होगा मार्केट में। 70-80 पॉइंट निफ्टी की रेंज होगी कल के लिए, पूरा साइड में रहेगा, बोरिंग कर देगा कल मार्केट एज पर आज की मूवमेंट के हिसाब से और इसका परफेक्ट मूव आएगा बुधवार गुरुवार को डेफिनेटली आएगा। और अगर इसने थर्सडे को 15,900 के ऊपर बंद दे दिया तो फ्राइडे को मोस्ट ऑफ 16,130 टच हो जाना चाहिए। बस ये व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी का मेरा अमित भाई। हेलो फेयर पॉइंट और ऑलरेडी अपने स्पेस में अपने पिछले 4 हफ्ते से लॉन्ग ही थे 15,238 से 15,114 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कंटिन्यूस जा ही रहे थे और बेसिक के साथ लेवल के साथ और रीजन के साथ जा रहे थे, वो स्टेप बाय स्टेप सारे टारगेट अचीव हो गए थे। बस अभी एक लास्ट पॉइंट लास्ट एक शार्प शॉर्ट कवरिंग बाकी है जो होप्स के साथ खड़े हुए हैं कि 15,900 से रिवर्स आ गया होप्स के साथ और कई ट्रेडर्स ऐसे होंगे
लॉन्ग शॉर्टर्स के एवरेज करके खड़े होंगे, अभी उन्होंने नहीं काटे क्योंकि 15,900 के ऊपर क्लोज नहीं दिया, तो उनके भी शॉर्ट कटेंगे तब जाके ये करेक्शन में आएगा। और जैसे मार्केट में जब जब ये 500-700 पॉइंट निफ्टी पड़ता है ना, तो मोस्ट ऑफ जिन जिन लोगों की हायर लेवल पे HNI ट्रेडर्स की पोजीशन होती है ना, वो लोग इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, इंट्राडे में ही उनका जो होता है ना पोजीशन का वो बुक कर लेते हैं, फिर दोबारा से नेक्स्ट अप मूव हो या डाउन मूव हो जो ट्रेंड चल रहा है वो एक कंटिन्यूस रहता है जब तक वो पूरी तरह से उनका गोल अचीव नहीं कर लेते। तो ये फ्राइडे थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट होगा विथ लेवल। फेयर इनफ जगवीर, फेयर इनफ। सो वी हैव नितिश एंड हिमांशु आस्किंग अ क्वेश्चन। जगवीर यही रहना, मैं रिमूव कर रहा हूँ एक बार के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, जरूरत पड़ेगी मैं वापस बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ यहीं पर हूँ। क्या नितिश, हिमांशु और डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर नरेंद्र यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑन है पर आवाज नहीं आ रही आपकी। टिल देन नितिश, या गो अहेड नाउ, या गो अहेड नाउ, आई विल टेक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस ना, या मैं तो उसके बाद में लीव कर दूंगा। ठीक है, मैं हूं ना, मैं प्लीज डोंट वरी। नितिश जी, हिमांशु जी, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आइए, ये चले गए लोग तो। डॉक्टर इज नॉट, he is we called him twice, he has not been answering, so we'll remove him from the speaker, we'll take him. I removed him as a speaker so he can join back, who hang ho jata kal tak. So we have Harsh also over here, if nobody is asking a question. Harsh, your views, simple, sweet, nifty bank nifty. Okay, so निफ्टी में अभी भी कुछ वीक तो नहीं दिख रहा, ऑब्वियसली आफ्टर टुडेस प्राइस एक्शन लगेगा कि हाँ नहीं, मींस जैसे अभी जगवीर ने कहा कि जो लोग शॉर्ट करके खड़े हैं वो शायद अभी भी होल्ड कर रहे हैं कि हाँ 5900 से नीचे रिवर्स होगा। सो बट आई थिंक एज फार एज प्राइस एक्शन इज कंसर्न्ड, हम लोग 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोज आया है फॉर द फर्स्ट टाइम। So I would like to 13 day moving average is at 15,740 approx. So जब तक उसके नीचे closing basis पे नहीं जाता है, और 15,700 अभी एक breakdown level था जो obviously अभी false breakdown है, तो जब तक 15,700 के नीचे नहीं जाता है weakness नहीं आएगा Nifty में, upside देखी जा सकती है above 15,899 वापस एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ लेगा, ऊपर में 16,200 तक का अपसाइड नेक्स्ट दो तीन दिन में दिखाई दे रहा है। 16,200 पे रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस होता है तो फिर थोड़ा और अपसाइड देख सकते हैं 400 तक। बैंक निफ्टी में अभी बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव ही क्लोजिंग आया है, 33,800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर ही क्लोज है, आज आया है। सो अबाउ 33,934,000 एक अच्छा वापस एक मोमेंटम अपसाइड में देखने मिलेगा, 34,500 तक, और 34,300-400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस होता है तो मे बी वी कैन गो टू अप टू 35,000 ऑन अपसाइड। डाउन साइड में बैंक निफ्टी में जब तक 33,500 के नीचे नहीं जाता क्लोजिंग बेसिस पे, आई डोंट थिंक के कुछ वीकनेस दिखाई देगा। ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक बेस बना के ऊपर आ रहे हैं, और वो बेस के अगर ऊपर रहते हैं निफ्टी के लिए 15,700 के आसपास है, और बैंक निफ्टी के लिए अराउंड 33,500। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है मार्केट शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव ही रहेगा, और ऑब्वियसली और बैंक निफ्टी 34,000 के ऊपर अपसाइड मोमेंटम मिलेगा, और निफ्टी में अबव 15,900 अपसाइड मोमेंटम दिखाई देगा, और दैट्स इट। फेयर नॉट। नितिश, यू हैव अ क्वेश्चन?
Nitish, if you are over here. I don't think he's over here. So let's move to Gurpreet Praji. Gurpreet Praji, please, your views. Jai Hind to all of you. Praji, Jai Hind and Sat Sri Akal. Sat Sri Akal ji. Sir, actually, जो कल मैंने levels बताए थे, almost मैंने तो सुबह खुलते सारी अपना profit book किया और मैं बाहर निकल गया. और मैं सारा दिन wait and watch करता रहा और जाते जाते थोड़ा सा शॉर्ट अटेम्प्ट करके गया हूँ, बट वो मैं अपने अकाउंट में नहीं, अपने किसी क्लाइंट के अकाउंट में करके गया हूँ शॉर्ट अटेम्प्ट. और अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच है. प्राजी, एक क्वेश्चन आपसे, उससे पहले अपने अकाउंट में क्यों नहीं गया, क्लाइंट के अकाउंट में क्यों नहीं? एक्चुअली क्लाइंट के अकाउंट में प्रॉफिट बहुत था, रिस्क वहां पे लिया थोड़ा सा. सर, एक्चुअली मार्केट इस टाइम ना बहुत, क्या बोलते हैं कि बड़ी अच्छी सी सिचुएशन में है मार्केट. यानी कि जहां तक मुझे लग रहा है, ये अभी पता नहीं कितना टाइम लेगा और नहीं लेगा, बट मैं जगवीर जी ने जो अभी एक्सप्लेन किया था, ऑलमोस्ट मैं उससे काफी हद तक एग्री करता हूँ कि इतने नीचे से अगला कैरी करके आ रहा है, एक बार तो प्रॉफिट बुक करेगी, ठीक है ना. तो आज का जो था ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग ही थी, और मुझे नहीं लगता कि शायद अभी कोई डाउनसाइड जा सकता है, बट इतना शार्प नहीं जाएगा जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फियर बहुत क्रिएट हो रखा है मार्केट के अंदर. इस टाइम हर कोई ये सोच रहा है कि पता नहीं कितना नीचे चला जाएगा. बट मैंने एक अपना 5 या 6 महीने पुराना एक ट्वीट रीट्वीट किया आज, यानी कोट ट्वीट किया उसे. तो मुझे थोड़ा सा अभी डाउट है, थोड़ा सा डाउट है, जो कि मे बी एक कल मेरा एक पॉइंट रह गया था. कोमल जी ने एक चीज पूछी थी कि सेक्टर वाइज, तो आज मैंने सेक्टर थोड़े चेक किए, तो मुझे बैंकिंग और जैसे बैंकिंग बड़ा बुलिश लग रहा है, ठीक है. यानी कि अभी रिसेंट टाइम के लिए नहीं, यानी फर्दर रैली के लिए. और आईटी मैंने कल बताया था, तो बैंकिंग में मे बी ये हो सकता है, शायद वो धोखा ना दे दे, क्योंकि मार्च का लेवल उसने अभी टच नहीं किया है. निफ्टी टच कर चुकी है और काफी ऊपर तक आ चुकी है, और बैंक निफ्टी ने टच नहीं किया है, बट वो ऊपर की तरफ डिसाइसिव भी नहीं जा पा रही है बैंक निफ्टी. तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है माइंड में. और आज जो रिलायंस के साथ हुआ है, एक तो वो उसका जो ओपनिंग हाई था और वही डे हाई था, और उसको मैं बड़ा थोड़ा बेरिश मानता हूँ, और काफी नेगेटिव बंद हुआ. अगर वो पॉजिटिव भी बंद होता ना, तो थोड़ा सा माइंड में ये होता कि नहीं मार्केट स्ट्रांग है. तो थोड़ा सा ये दो चीजें मुझे डाउटफुल लग रही है, एक रिलायंस और एक बैंकिंग, और सबसे ज्यादा वेटेज ही इसी का निफ्टी में. तो थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा, जो मैंने कल भी वर्ड यूज किया था कॉशियस, बट मैं हूं बुलिश बट कॉशियस हूं. यानी कि जब तक 16,216-16,200 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं आती और 16,480 को टच नहीं करती, तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा. यानी कि बुलिश हूं फॉर अ टाइम बीइंग, बट उसके बाद मैं टोटली बुलिश हूं, उसके बाद टोटली बुलिश हूं मैं. बस यही मेरा व्यू था. So, anyone else have a question? If not, I'll conclude the session with a simple understanding. Till market doesn't break today's low, that is 15,800 on Nifty and 33, approximately 500 pakad lo. Aaj ka low hi ho jayega, 33,500 pakad lo. Wo level nahi break karta, market are still in a bullish zone. Or probably market tomorrow will remain in a neutral zone altogether. Candles are अच्छे नहीं बने कोई भी stocks में. 20 days का simple moving average से rejection आया, first बार rejection आया. बहुत बार जब ये rejection आता है ना, तो आपको अपना view बदलना भी पड़ता है या neutral होना पड़ता है, कि हम एक दिन wait करके देख सकते हैं कि market में क्या reaction आएगा. ठीक है, wait करने में कोई issue नहीं होता. लोग मुझे बहुत troll करते हैं, 5 मिनट wait करेगा, 15 मिनट wait करेगा, 1 घंटा wait करेगा. भाई पैसा मेरा, मेरी मर्जी, जैसा मैं ट्रेड करना चाहूँ. ठीक है, डेटा मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि तुम्हें डेटा पढ़ना आता नहीं है.
तुम्हारे खानदान में किसी ने डेटा नहीं पढ़ा होगा, तुम्हें लगता हमारा 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 चलता है। मैं उन सबको एक ही आंसर देता हूँ, उनको बोलना जाके सुन के आए मेरा। मैं कभी एग्रेसिव नहीं होता, मैं आज एग्रेसिव बात करता हूँ। लोग स्पेस में क्यों आ रहे हैं? एक दूसरे का वेंट निकालने के लिए। उसने ऐसा बोला इसके लिए मैं कर रहा हूँ, उसने ऐसा बोला इसके लिए। भाई हम सिंपल मार्केट की बात करना है। मैं रोज का व्यू क्यों दे रहा हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। मैं उस दिन स्पेस बंद कर दूंगा जब मार्केट एकदम नॉर्मल हो जाएगा, जब वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमें भी नहीं पता वॉलेटिलिटी कब रिड्यूस होगी। हम कहीं हेल्प करने आते हैं, हमारा पर्पज हेल्प करने का है। लॉस मुझे भी होते हैं, आपको भी होते हैं, सबको होते हैं। कोई बोल देना मुझे 100% प्रॉफिट होता है, मेरा सिस्टम 100% काम करता है, उसको बोल भाई तेरा 100% सिस्टम बता देना फ्री में पब्लिक को। वो मेरा काम नहीं होता, मेरा काम है जो मुझे लेवल दिखता है मैं उसी लेवल पे काम करता हूँ। लोग बोलते लेवल कहाँ से निकलते, भाई चार्ट देख ले, बोलते टेक्निकल काम नहीं करता। नहीं करता तेरे लिए नहीं करता, क्योंकि तुझे नहीं समझ में आता। तुम्हें नहीं समझ में आता तो उस चीज़ की बकवास क्यों करते हो? मैं जिस चीज़ को 18 साल से फॉलो कर रहा हूँ मैं उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। सो जस्ट ऑन द कंक्लूजन पार्ट, आई फॉलो सो मच ऑफ डेटा तो शायद बहुत कम लोग फॉलो करते रहेंगे, बहुत कम लोग। मैं एफ आई का डेटा भी फॉलो करता हूँ, मैं रोज रिलीजियस की पकड़ता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट वो मेरे बारे में सोचते हैं, रोज रात भर मेरे बारे में सोचते रहते हैं, रोज सोचते हैं कि नया क्या करें, नया क्या करें, नया क्या करें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पेरेंट्स आज ही बोलते हैं कि भैया मार्केट छोड़ दे, नौकरी कर लो। बट आई एम स्टिल रनिंग माई होम, आई स्टिल लिव इन मुंबई। आज भी मेरे पास अच्छा खासा है, बैंक बैलेंस भी है, प्रॉपर्टीज भी, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट अबाउट अदर पर्सन हु ट्राइज टू डू दैट, ठीक है। When I started becoming big, it was in age of 28 itself. Now I'm 42. तो मैं झक तो मार के नहीं आया बाजार में। तो सिंपल बोलता हूँ, अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो किसी से समझ लो, किसी से पूछने में क्या प्रॉब्लम है, किसी से पूछने में प्रॉब्लम क्या आपको? क्योंकि आपको पूछना ही नहीं, आपको लगता है आप ही बेस्ट हो। तो बेस्ट मार्केट में कुछ भी नहीं है, बेस्ट तो आपका एक ही चीज है जिंदगी में, आपका स्टॉप लॉस। इससे बड़ा कुछ चीज नहीं है। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, एग्जिट हो जाओ। आप अपने ईगो लेके बैठे रहोगे, जैसे कोई पुराने भाई साहब आए थे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ये फंस गया वो फंस गया, अरे आपका कैपिटल तो इंटैक्ट है ना, एग्जिट कर जाओ। वो भी अपने ईगो पे लेके बड़े पड़े हुए उसके। तो मार्केट में ना सिर्फ एक ही चीज लेके आओ, पैसा लेके आओ, पैसा वापस लेके जाओ। 100 रुपया लेके आए, इफ यू आर ब्रिंग 100 रुपीज, एटलीस्ट ट्राई टू टेक 95 रुपीज, वो आपका लॉस हो गया। 110 बन रहा है, एटलीस्ट 105 घर पे वापस लेके जाओ, 5 रुपये प्रॉफिट घर पे लेके जाओ। तो मार्केट ऑब्लाइज करने नहीं बैठा है आपको। आप कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी डेटा समझ लोगे, लास्ट में आप भी रॉन्ग हो सकते हो। तो इसके लिए हम बोलते हैं हमेशा अपना रिस्क थोड़ा मैनेज कर लो। आपको कहाँ रिस्क लेनी है ये समझना चाहिए। लोअर लेवल्स आते हैं ना तो लोग रिस्क नहीं लेते, लोगों को लगता है कि यहाँ से और गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। हम तो 15400 से बोल रहे हैं लॉन्ग करो। लास्ट बार जब 15700 टच किया था तब भी हम बोलते थे लॉन्ग करो, वहां से भी 1000 पॉइंट की रैली देखे गया था। लोगों को तो देखने नहीं, लोग बोलेंगे आपने एक मिनट शॉर्ट मारा, मुझे नहीं शॉर्ट मारना, मेरी मर्जी, पैसा मेरा, मेरी मर्जी यार, व्हाट आई वांट टू ट्रेड। अब उसके लिए क्वेश्चन तुम नहीं दोगे, तुम्हारा पैसा लेके ट्रेड कर रहा हूं क्या? नहीं, पैसा मेरा। तो आपको लास्ट में एक ही चीज समझना, पैसा आपका, डिसीजन आपका होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए मार्केट में आज क्या फॉर्मूला, आज मैं कितने टाइम बाद डाल के गया कि भैया आज का कोई कैंडल फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, जहां से रिवर्सल आया ना वो पॉइंट अच्छा नहीं है, यहाँ से डिप आ सकता है, एब्सोल्युटली आ सकता है, कोई इशू नहीं कि नहीं आ सकता, एब्सोल्युटली पास सकता है। आई डोंट डिसएग्री विद दैट फैक्ट ऑल टुगेदर कि डिप आएगा, वो डिप कहाँ तक जाएगा? अगर मुझे पता होता तो मैं वो पुट खरीद के बैठ जाता, मैं जुलाई का पुट खरीद के बैठ जाता। मुझे नहीं पता कहाँ तक डिप आएगा, मैं तो आज भी कॉल स्प्रेड लेके गया, मैं तो आज भी कॉल स्प्रेड मार के गया, तो मुझे पता है मेरा लॉस क्या है। मैं तो आज लीव्स ही मार के गया, किसी को लीव्स नहीं समझ में आएगा, मैं दिसंबर का कॉल भी खरीद के गया और उसके सामने मैंने बहुत कुछ बेचा हुआ भी है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मार्केट में पैसा लास्ट में कैसे बनता है। सो कमिंग बैक टू निफ्टी, बैंक निफ्टी सिंपल है, प्रॉब्ली 15700 15650 भी अगर ब्रेक कर देगा ना तो प्रॉब्ली 15950 इज अ इंटरमीडिएट टॉप फॉर अस। सेम टाइम 34200 अगर ब्रेक नहीं करता, इवन 3300 के ऊपर नहीं जाता है और वहीं से मार्केट फॉल करता है, तो आपको सिंपल काम करना है, 3400 का स्टॉप लॉस रख लेना और शॉर्ट करके आना, ठीक है। सेम टाइम रिलायंस ने भी आज टॉप बनाने का एक सिग्नल दिया। आज फर्स्ट डे है, मैं फर्स्ट डे पे सिग्नल नहीं पकड़ता, मैं सेकंड डे कल कंफर्मेशन मिलेगा ना, अगर आज का लो ब्रेक करता है नहीं पक्का शॉर्ट मार के बैठूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे उसमें, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, स्टॉप लॉस खा के निकल जाएंगे, उसमें मुझे इशू नहीं है उसमें।
एंड आई वोंट टेक एनीवन हु डजंट हैव अ प्रोफाइल पिक्चर ऑल टुगेदर. अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर नहीं रहेगा, आप कोई भी रहोगे, मैं लेने वाली नहीं रिक्वेस्ट. एंड इट इज अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु कम्स एज अ होस्ट. किसी का अगर अपना खुद का फोटो नहीं हो, कोई भी लगा दे जिसको हम पर्सनली नहीं जानते, उसका रिक्वेस्ट लेना ही नहीं अपने को. कोई भी रहेगा, रिक्वेस्ट नहीं लेने का. भाई हमारी शक्ल भी तो देखते हैं ना. फैबी आई नो यू पर्सनली, सो आई नो हु यू आर. तो हमें एक हर चीज शक्ल देखते हैं. मैं कैसा काला, गोरा, पीला, हरा, नीला देखता हूँ, कोई भी है हम उसका शक्ल पकड़ के आते हैं ना. रंजीत भाई आप कितना भी रिक्वेस्ट भेजोगे ना, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला. आप पूरी रात लगे रहो और जितनी गालियाँ देनी दे देना, टॉल कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं ट्विटर से पैसा नहीं कमाता, मैं मेरी ट्रेडिंग से पैसा कमाता हूँ लास्ट में. ठीक है, सो अगेन बैक टू द सेम थिंग. कल का लो तोड़ता है, मतलब अगर अभी अपने लिए कल का मतलब, क्योंकि आज नया दिन चालू हो गया, आज का ट्रेडिंग डे चालू हो गया, तो मतलब मंडे का अगर लो कोई भी स्टॉक तोड़ता है तो उसमें 0.5% से 1% का स्टॉप लॉस लेके उसको पक्का शॉर्ट मार देंगे. अगर तोड़ता है सेम टाइम निफ्टी भी तोड़ रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने लो तोड़ के खड़े हो रहे हैं, सेम टाइम सामने जाके देखना कि कॉल साइड में क्या पोजीशन बन रही है. अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और पुट साइड में कट रहा है, तो आपका पोजीशन प्रॉपर चलता रहेगा, पूरे दिन प्रॉपर चलता रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है. बट स्टॉप लॉस डिफाइन करके चलना. सिंपल वही बोलूंगा, पहले 5 मिनट वेट कर लेना, जो मेरा आदत है. मैं तो 15 मिनट वेट करता हूँ. मैं जो इतने पोजीशन कैरी कर रहा था इतने दिन से, जो बच्चे मेरे साथ रहते हैं जिनको मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन सिखाया है, उनको प्रॉमिस किया था 24 आवर्स में सिखाऊंगा. मैंने उनको 50 आवर्स लिया सिखाने में. ठीक है, मैं भी वर्कशॉप करता हूँ, बट मैं ना ऐसी फर्जी वर्कशॉप नहीं करता जो लोग बोलते कि हम ये करेंगे वो करेंगे. मैं खुद को प्रमोट कर रहा हूँ. अब मैं अब तक मैं बोलता था किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ. वर्कशॉप ये स्पेस मेरा है, मैं खुद को प्रमोट पक्का करूंगा आपसे. और कोई प्रमोट नहीं कर सकता खुद को, सिर्फ मैं खुद को प्रमोट कर सकता हूँ. तो मुझे है ना बहुत कुछ आता है जो तुम लोग को नहीं आता है. तो जो भी सुन रहा है जाके जिसको जो बोलना है बोल देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो कमिंग बैक टू द सेम थिंग, कि अगर लो तोड़ता है सिर्फ 15 मिनट का वेट करोगे, लो कंसिस्टेंटली ब्रेक कर रहा है ना, पक्का एक स्टॉप लॉस रख के डेज आई नहीं तो एटलीस्ट 1-5 मिनट की कैंडल के ऊपर रख लेना और उसको शॉर्ट करके बैठ जाना. रिस्क डिफाइन कर लेना, रिवॉर्ड कितना होगा मुझे नहीं पता, रिस्क डिफाइन करके चलना ट्रेड में. क्योंकि 3 दिन बाद है एक्सपायरी, ये है क्वार्टरली एक्सपायरी. क्वार्टरली एक्सपायरी में जनरली एनएवी का गेम हो जाता है, जनरली एनएवी का गेम होता है. ठीक है, अब वो हो सकता है कल मार्केट साइडवेज रहे और जो भी गेम हो, या तो वेनेसडे को या थर्सडे को. लास्ट 3 एक्सपायरी से जब हम हमेशा स्पेस में बोले कि अभी नहीं हुआ ना, तो कल गेम हो सकता है. किस डायरेक्शन में होगा ये आपको पकड़ना पड़ेगा लाइव मार्केट में. ये लाइव मार्केट आप पकड़ के चलोगे ना तब होगा. उस लाइव मार्केट के लिए चाहिए होता आपको डेटा. लास्ट में बात आती है डेटा की. डेटा क्या होता है, जो बोलता है उसको जाके पूछ लो. मैं तो सिंपल डेटा बोलता हूँ, भाई ऑप्शन की चेन देख ले, वो डेटा बनना पड़ा है. जहाँ जो मरेगा उसका गेम बनेगा. तो हमने पुट साइड में पैसा कमाया, हमने कॉल साइड में पैसा कमाया. एंड माई स्टूडेंट्स आर माई ओनली थिंग. मुझे इससे ज्यादा कोई नहीं चाहिए. ट्विटर स्पेस में कोई मुझे माने ना माने, आई डोंट इवन केयर फॉर दैट. कोई ज्वाइन करे ना करे, जिसको जितनी गाले देनी दे दे, आई डोंट इवन केयर फॉर दैट. बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई डू इट फ्रॉम माय हार्ट. सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस, 5 मिनट्स मोर. किसी का क्वेश्चन आता तो मैं ले लूंगा, नहीं आता मैं स्पेस सेंड कर दूंगा. अमित जी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा. पक्का ना बोलाओ सर. एक्चुअली हमें ट्रेडर्स, ठीक है ना, तो हमें आपका व्यू अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, तो हमें बायस नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी है, ठीक है ना. हमें बायस होने का कोई राइट ही नहीं है. क्योंकि एक अभी चंदन जी ने जो बात बोली थी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक कमाएगा और एक देके जाएगा. तो इसमें अब हम ईगो लेके बैठ जाए, नहीं मैंने ये लेवल डिसाइड किया तो ये लेवल लगेगा लगेगा, और मैं बोल दूं कि मैंने ये लेवल डिसाइड किया लगेगा लगेगा, वो मेरे लिए लगेगा तो लोगों पब्लिक थोड़ा ना करना है हमने उसको, ठीक है ना. जो जिसको समझ में आता है लेगा, जिसको नहीं समझ में आता नहीं लेगा. तो हम अपनी ईगो पे नहीं लेना चाहिए ये चीजें. तो मैं इतने सीनियर ट्रेडर्स हैं हम, ठीक है ना, इतने टाइम से. मैं तो एक्चुअली ट्विटर पे काफी नया हूँ, मुझे बोलने का भी कॉन्फिडेंस आपकी स्पेस से ही आया है. कि तो मैं बहुत शाय किस्म का आदमी हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, यही बोलना सीखा हूँ मैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना. तो
बट मुझे जो आज थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा, एक बार पहले भी हो चुका है, तो मैं उनको मैं भी फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं वो लोग, बट जो उनका कंडक्ट है नॉट गुड। जी मैं वही चीज बोलता हूँ, लास्ट में हम स्पेस क्यों करते हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को झगड़ा करने के लिए थोड़ी स्पेस कर रहे हैं कि आपने बोला था ऐसा नहीं हुआ, आपने ये बोला था, अरे हम इसके लिए थोड़ी बैठे हैं यार, वो पर्सनल है तो आप पर्सनल में जाके निकाल लो ना, यहाँ पे आके क्यों बात करनी है। वो ये दो चार बार इंसिडेंट हुए ना तो मैंने किक कर दिया लोगों को, मैंने सच्ची बोलता हूँ मैंने किक कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सच में मैं पर्पस मेरा है पॉजिटिविटी का, और आके आप नेगेटिविटी की बात करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं है। आप बहुत बड़े रहोगे, मुझसे बहुत बड़े ट्रेडर रहोगे, आपके पास 500 करोड़ का कैपिटल रहेगा, मेरे पास तो जो मेरा कैपिटल है मैं उसी से ट्रेड करूंगा ना, मेरा घर तो आप नहीं चलाओगे, तो मैं किसी की क्यों सुन के जाऊंगा। मेरे तो अगर 50 भी लिसनर रहेंगे ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 50 लोगों को भी वही बात बोलूंगा जो 500 लोग सुनेंगे या 5000 लोग सुनेंगे, तो मेरा उसमें कोई, मैं इसमें कोई पैसे ले रहा हूं क्या, जब मैं फ्री में कर रहा हूँ, जब मैं इतने अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ जिनको शायद लोग जानते भी नहीं थे क्योंकि मैंने उनको कुछ फॉलो किया, बात करी, बात करने में पॉजिटिविटी लगा, तब मैं जाके उनको कि सर आप प्लीज अटेंड करेंगे, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तब वो कहाँ से आए, वो भी तो अननोन ही थे ना। जब हम अननोन थे तो मुझे फर्स्ट इंसिडेंट पता है, कपिल पाजी ने वे बैक इन 2011 मुझे सिर्फ एक व्हाट्सएप इस पे डीएम पे मैसेज किया था कि मेरा ग्रुप है ज्वाइन करेगा क्या, मैं भी उनको इतना नहीं जानता था, फिर जब ज्वाइन किया और उनका नॉलेज देखा ना तब जाके वो गुरु बन गए, उन्होंने इतना कुछ सिखाया, आज भी इतना कुछ सिखाते, तो गुरु ऐसे ही बनता, और उस गुरु को डिसरिस्पेक्ट करके मैंने आज तक, मतलब गुरु को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे ये चीज समझ में आती, जिसको गुरु पकड़ लिया ना एक बार तो अपने ना चुपचाप सुन लेते जब तक वो गलत बात नहीं करे। थोड़ा सा ऐड करूंगा 5 मिनट इस पर अगर टाइम होगा तो। देखो हम मार्केट में हैं और इनिशियली सक्सेस हो सकता है, किसी को जल्दी मिल जाए, किसी को लेट मिल सकती है, पैसा भी धीमे धीमे बड़ा होता है, तो इसके हमने पहले भी बोला है कि ईगो आपका बड़ा होता जाएगा, और ईगो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, इतना कॉन्शियस रहता हूँ कि मेरा ईगो बड़ा ना हो कहीं भी किसी भी टाइम पे, आज से 10 साल बाद भी मैं अगर बिलियनर भी बन जाऊँ ये कहने वाली बात है तो भी मेरा ईगो ऐसे ही नॉर्मल रहना चाहिए। इसको कंट्रोल कैसे करें, मेरे पूरा फोकस इसी पे रहता है, मैं कहीं ईगो स्ट्रोक तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं अपने आप को बहुत बड़ा तो नहीं समझने लगा हूँ। इसकी सबसे, इस ईगो को लो रखने के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन अराउंड यू, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। अगर आपने ये कर लिया ना, सक्सेस को खाने वाला जो है वो ईगो है मार्केट में, तो ईगो कब आपको बर्बाद कर देगा ना आपको पता ही नहीं पड़ेगा। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, बड़े बड़े बिलियनर, बड़े बड़े हेज फंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के तबाह हो गए, बैंकरप्ट हो गए, हम तो बहुत छोटे से ट्रेडर हैं। वो बंदे जिनको बड़ी बड़ी फर्म बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड करने के लिए ऐसी दे देती थी कि भैया ये ट्रेड करेगा ले भाई 5 बिलियन, वो सड़क पे खत्म हो गए, ट्रेडर ही नहीं बचे वो आज की डेट में। तो दिस इज मार्केट, यहाँ पे ईगो एक दिन आपको किल कर देगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कांस्टेंट चेक रखें इस पर, कांस्टेंट चेक एवरी डे, कि ईगो कभी ना बड़ा हो पाए, और वही सॉल्यूशन एक ही है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, बी थैंकफुल और गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। डॉक्टर साहब उसमें एक चीज ऐड करता हूँ आपके, रावण को सबसे ज्यादा नॉलेज था, ठीक है, रावण को राम से ज्यादा नॉलेज था, तो जब राम को पूछा गया ना कि रावण कैसे मरा, आपने मारा, तो राम ने सिंपल जवाब दिया क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो राम ने बोला मैं कौन होता हूँ रावण को मारने, मेरे पास तो रावण जितना नॉलेज भी नहीं है, मेरे पास रावण जितना नॉलेज भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ ये 5 गुण है, रावण के पास तो 11 गुण है, 11 गुण है, कृष्ण के पास 16 गुण थे, मतलब कृष्ण इज कंसिडर्ड एज द परफेक्ट मैन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। तो जब उनसे पूछा गया कि रावण को किसने मारा, तो उन्होंने लास्ट में एक ही जवाब दिया कि रावण को मैं नहीं मार सकता था, रावण को खुद रावण ने मारा, मतलब रावण को खुद के ईगो ने मारा, रावण को ईगो नहीं मारा, रावण को कोई मार ही नहीं सकता था, शिवजी भी आ जाते रावण को नहीं मार सकते थे,
क्योंकि उतना बड़ा भक्त था, इतना सब कुछ करता था, अगर वो ईगो नहीं रखता मरता ही नहीं, वो दुनिया चलती रहती रामायण के अंदर ही। आज भी अपन भी बंदर बन जाते हैं, अपन भी पुल बना रहे होते हैं। तो एज सिंपल एज दैट, लास्ट में है ना ईगो मारता है। तो सबसे पहले अपना ईगो मार दो मार्केट में, पॉजिटिव हो जाओ, जो कुछ बोलता है ना प्यार से सुन के जाओ, प्यार से पूछो, हर इंसान यहाँ जवाब देने को रेडी है। गलत तरीके से पूछोगे तो गलत जवाब मिलेगा, प्यार से पूछोगे तो प्रॉपर जवाब मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाओ। मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जब से मैं 8 महीने के वापस ट्विटर पे आया ना, मैं हमेशा एक चीज कंस्ट्रक्टिव बात कर लो ना, क्यों आपस में झगड़ा करने की। सर झगड़ा करना तो हम कभी भी कर सकते हैं, झगड़ा करने से कोई सॉल्यूशन थोड़ी मिलता है। रशिया यूक्रेन झगड़ा करने क्या हो रहा है, यूक्रेन पूरा बर्बाद हो रहा है, रशिया अपना ऑयल के प्राइस के पीछे कंट्री चल रहा है, वो अपने मजे ले रहा है, और यूएस कुछ भी नहीं कर रहा। यूएस क्या कर रहा है, यूएस तो अपने वेपन्स बेच रहा है, तो मजे कौन ले रहा है? वो एक बिल्ली मजे ले रही है वहाँ बैठ के, यूएस एक यूरोपियन नेशन से ले रहा है, उन्होंने एक अपना सैनिक भेजा, पूरी मिलिट्री भेज देते ना यूक्रेन को बचाने के लिए, नहीं है तो क्या हुआ? वो नेटो वेटो गया बाढ़ में, पहले भी मेरा लगा देता हूँ सब कुछ, देखते रशिया क्या कर लेगा, आज तक तो आया नहीं, उससे बातें करते बाहर बैठ के बिडेन साहब। तो मजे कोई और ले लेगा अपनी चीजों के, तो जो अपना घर है अपनी मिलके नहीं बचा सकते, तो फायदा नहीं ना इन चीजों का। सो दोस ऑल थिंग्स आर वेरी यूजलेस थिंग इन लाइफ, बी कंस्ट्रक्टिव ऑलवेज, सोचो हम क्या किसी से सीख सकते। मैं तो रोज मार्केट में जाता हूँ तो रोज ही सोच के जाता हूँ आज नया क्या सीख के आएंगे। एक भी पॉजिटिव चीज नहीं मिलती ना कि हाँ यार ये तो अपने को नहीं पता थी, हाँ चलो अपने हिसाब से चली ना, तो इस चीज को मैं उसको लोग बैक टेस्ट करते हैं, मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ। फॉरवर्ड टेस्ट मतलब रोज मार्केट में क्या मेरी ये थ्योरी चलती है कि नहीं चलती, मैं उसमें टिक लगा के आता हूँ रोज, क्या भाई ये थ्योरी चल रही है मेरी, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है मेरे उस सिस्टम पे, क्या ये चीज की जा सकती नहीं की जा सकती। तो ये हमारा बैक टेस्ट करके बैक टेस्ट का रिजल्ट कितना फॉरवर्ड में एक्चुअल रिजल्ट देगा किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता। डॉक्टर साहब भी बैक टेस्ट करते हो ना? यस यस, बहुत। वो एक्चुअल रिजल्ट देता है मार्केट में सेम टाइम पे सेम कंडीशंस में एग्जैक्ट रिजल्ट? डॉक्टर साहब इफ आई एम ऑडिबल, सो फॉर एग्जांपल आपकी कोई सर्जरी ने 30% रिटर्न दिया, वो एग्जैक्ट मार्केट में जब एग्जीक्यूट करेंगे 30% ही देगा कि 35 देगा कि 25 देगा कि 20 देगा? वेरिएशन हो सकता है उसमें, इट इज नेवर एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस मार्केट एंड सब्जेक्टिव आल्सो। तो सिंपल है, बैक टेस्ट में आपको बता दिया कि सिस्टम काम कर सकता है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं करोगे, खुद का पैसा नहीं लगाओगे, तब तक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें आपके इमोशन जुड़ेंगे। बैक टेस्ट में कोई इमोशन नहीं है आपका, बैक टेस्ट में इमोशन डाल सकते हैं क्या कि मैं तो ये 100 पॉइंट में क्यों काटा, मैं तो 200 पॉइंट में काट देता अगर मुझे उस दिन समझ में आता, 200 क्यों, 500 पॉइंट में काटता मैं। तो ये अपना तो सिंपल है भाई, जो भी करना है लाइव मार्केट करो, लिखते चलो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो विद दिस थिंक आई थिंक आई वॉज वेरी हार्श टूडे, बट आई शुड नॉट हैव बीन, बट समटाइम्स इवन आई एम अ ह्यूमन बींग, सो आई अपोलोजाइज इफ आई सेड एनीथिंग टू एनीवन, डोंट टेक इट फ्रॉम हार्ट। मैं गुस्सा बहुत कम करता हूँ, मुझे गुस्सा आता भी नहीं है, वो बहुत चीज़ें जिंदगी में पीछे छूट गई है। सो विद दिस थिंग नोबडी हैव अ क्वेश्चन, आई एम एंडिंग द स्पेस, धन्यवाद, थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। हम कल भी स्पेस करेंगे, कोई आए ना आए, मैं अकेला स्पेस कर दूंगा, मैं अकेला खुद ही बोल के रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है? सो थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, जय हिंद।